इतना क्या सोच रहा है तू? हाँ, कल कॉलेज का लास्ट डे है ना। हाँ, छोड़कर जा रहे हैं इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे दुख किस बात का यार, वैसे भी हम बाहर मिल सकते हैं ना। मैं दुखी इस बात से नहीं हूँ। फिर आज तक तो मैं कॉलेज जाने के बहाने फिल्म देखने जाता था, आउटिंग के नाम पर गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पर जाता था, स्पेशल क्लास बोल कर बार में बैठ कर बियर पीता था, लेकिन कल से क्या बहाना बनाऊंगा ये सोचकर दुखी हो रहा हूँ। परेशान मत हो यार, हमें एंजॉय करने के लिए भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तेरे जैसा दोस्त होना चाहिए यार। अच्छा ये बता, सिद्धू कहाँ है? अच्छा वो और कहाँ होगा? लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर बुक्स को अपने ब्रेन में शिफ्ट कर रहा होगा। क्यों भाई सिद्धू? सर तुमको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती देवी तुम्हारे रूप में आई हैं। थैंक यू सर। इस लाइब्रेरी की सारी किताबें तुमने पढ़ ली या कुछ बाकी भी है? राइट साइड की रैक वाली बाकी है सर, उसको जल्दी ही कंप्लीट कर लूंगा सर। और कुछ बुक्स घर पे ले जाऊंगा। घर क्यों भाई, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सर। और कितना टाइम? वो देख सिद्धू आ रहा है। ए, ये सब पढ़ने के लिए है या बेचने के लिए? पढ़ने के लिए ही है। तेरा भेजा है या रावण का? सर इतनी बुक्स कैसे पढ़ता है यार? लगता है कि भगवान ने इसके ब्रेन में एक्स्ट्रा मेमोरी चिप लगाई है। ए, हमारी बॉडी हो या फिर हमारा माइंड हो, हम जो भी आदत लगाते हैं लग जाती है। अपना किताब पुराण बंद कर यार। भारी है, ले पकड़। अरे यार कितना भारी है, पढ़ाई करता रहेगा या जॉब भी करेगा? नहीं यार, कुछ अलग ट्राई करने की सोच रहा हूँ। और तू? मैं एक यूट्यूब चैनल खोलकर उसमें सिनेमा का रिव्यू दूंगा और गॉसिप करूंगा। ये तो सभी करते हैं ना यार, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। कुछ नया यार, ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? मेरे पास नया करने का भेजा नहीं है। तू नहीं सुधरेगा बे। तो फिर मैं नया क्या करूं बता? रिजल्ट आने के बाद पक्का सोचते हैं। ये क्या जी, इसे 99% मिले हैं तो इसे 99 स्वीट भी खिलाएंगे क्या? इसको तो दो ही खिलाऊंगा, 96 तुम्हारे लिए। अरे अगर मुझे स्वीट्स की आदत लग गई तो स्वीट शॉप के चक्कर लगाते रहेंगे आप। बाप रे, तुम मुझे घुमाती रहोगी। माँ को नहीं खिलाते हैं बेटे, तुम खा लो। बस हो गया बेटा, तुम्हारी नजर उतारनी है। किस लिए माँ? किस लिए का क्या मतलब, अच्छे परसेंट मिले हैं ना तुझे, इसीलिए। इसकी नजर, उसकी नजर, कॉलेज वालों की, आसपास वालों की नजर, शहर वालों की नजर, ये देखो तुम्हारे पापा की नजर, सब की नजर को आग लगे। आगे क्या करने का सोचा है बेटा? जॉब के अलावा कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा हूँ पापा। हम जो रास्ता चुनते हैं उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वो जितना स्ट्रांग होगा हमारी लाइफ उतनी ही स्ट्रांग होगी। तुम थोड़े दिन तक कहीं जॉब करो, उस जॉब में तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है समझ में आएगा। ठीक है पापा, आपके कहने पर मैं पक्का जॉब कर लूंगा। मेरे दोस्त का एक न्यूज चैनल है, उसे ज्वाइन करोगे? ओके पापा, ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, मैं फोन करके उससे बात करता हूँ, कल जाकर तुम उससे मिल लेना। ओके, वैसे उस चैनल का नाम क्या है पापा? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? जॉब करने के लिए। जॉब? कौन, तू करेगा? पापा ने कहा कि कुछ दिन जॉब कर लो, उनकी बात को मैं टाल नहीं पाया। तेरे पापा ने तुझे जॉब करने के लिए बुलाया तो मुझे क्यों लेकर आया? बचपन से हमने साथ में पढ़ाई की है, साथ में ही जॉब करते हैं। अगर मैं बोर हो गया तो तू है ना टाइम पास के लिए। तू है मेरी जिंदगी पर, इंडस्ट्री भी नहीं बदलती है, हीरो भी नहीं बदलता। और कितने दिन तक करना पड़ेगा फ्रेंड्स का कैरेक्टर? टेंशन मत ले, संभल के नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके लिए अच्छी शक्ल भी तो होनी चाहिए ना। हेलो, मेरी बात सुन, ऐसी शक्ल मेरी वजह से नहीं है। वो कैसे? ये सब कुछ ना मेरे बाप की वजह से है। तू नहीं बदलेगा, चल। हेलो, मैंने जो न्यूज़ बताई थी रेडी हो गई? हाँ, तो फिर लाइव में नोटिफिकेशन भेज दिया? या गुड। हेलो सर, मेरा नाम सिद्धू है। हाँ सिद्धू, कम कम कम, आओ बैठो। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में बताया, 99% के बाद तुम्हें कहीं भी जॉब मिल सकती थी, तुम यहीं क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? Why here? भले ही मुझे कितने भी परसेंटेज मिले हो, जॉब के लिए तो मैं नया ही हूँ ना सर, एक्सपीरियंस की जरूरत तो होती है ना। वैसे भी आपने इस चैनल को 6 लाख से स्टार्ट किया था और आज इसकी पोजीशन देखिए सर, इतनी सी बात काफी है ना सर यहाँ काम करने के लिए। वाह, तुमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, तो ठीक है कल से ही ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। अब सर ये मेरा फ्रेंड है, इसने साथ ही पढ़ाई की है, अगर इसकी भी यहाँ ज्वाइनिंग करा दे तो। नमस्ते सर। तुम्हारा भी 99% है ना? बस 50 कमाया है सर, 49%।
अपने खानदान में सबसे बड़ा तोप हूँ मैं। पर यहाँ 100% काम करना पड़ेगा। अरे आप मुझे कम समझ रहे हैं सर, सिंसियरिटी को शर्म आ जाएगी ऐसा काम करूँगा। शर्म आएगी ऐसा काम या शर्म चली जाए ऐसा काम? योर कम्फर्ट सर। मैं आई कम इन सर? या डू कम इन। कमल सर, दिस इज सिद्धू एंड ही इज हिज फ्रेंड। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नमस्ते भाई। तेलंगाना से हो क्या? हाँ। कमल, आज से ये दोनों हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। यूट्यूब डिपार्टमेंट सिनेमा न्यूज सेक्शन इनको सौंप दो। ठीक है सर। सभी से इनका परिचय भी करवा देना। श्योर सर, या चलते हैं। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट सिद्धू, गुड लक। थैंक यू सर। स्कोप चाहिए, स्कोप चाहिए, स्कोप 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 स्कोप। मार 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 डाल। छे, नालायक कहीं का। ऊपर क्यों मारा? वहां मारना था। छे, ऐसा होगा तो चिकन डिनर कैसे मिलेगा? छे, क्या हुआ प्रसाद जी, इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? गेम चला गया यार। अरे गेम चला गया तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? ये कौन पंच मार रहा है? ये क्या पूछ रहा है? टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। इन्होंने ऐसी बात की है, मतलब तुम्हें बहुत इज्जत दी है। हमारे चैनल के भीष्म पितामह हैं। बाय द वे, ये है सिद्धू और इनका नाम है जांगरी। जांगरी, ये कैसा नाम है? बचपन में जांगरी बहुत खाया करता था, इसलिए प्यार से जांगरी बोलते हैं मुझे। बाय द वे, इनका नाम है पबजी प्रसाद। यस, पबजी। पबजी गेम से संबंधित टेक्निकल वीडियोस यही बनाते हैं। पबजी प्रसाद। अभी चलो, बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराना है तुम्हें। नंबर टू, नंबर टू। अरे प्रसाद भाई, हां हां भाई, मर मर से, मर से, मर 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 से। अरे कैसे खेल रहा है तू? एक से खेलना। अरे खेल रहा हूं ना। सुपर। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा ऑफिस। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफिस को पार्क समझ के रखा है क्या? इसमें गलत क्या है यार? हाँ, गलत क्या है? ओ सॉरी, वो हस्बैंड और वाइफ है क्या? नहीं, लवर्स है। लवर्स? हाँ। तो पता नहीं शादी कब करेंगे? नहीं करेंगे। शादी करेंगे तो लव कम हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। सो रोमांटिक। अरे बाप रे, ये लोग अरेंज लव स्टोरी जैसा फील कर रहे हैं ना? सिर्फ लव करते हैं या कुछ और भी करते हैं? करते हैं ना, वो खाना और वो वास्तु शास्त्र से संबंधित प्रोग्राम करते हैं। क्या कहा? वात्स्यायन सूत्र? वात्स्य सूत्र नहीं, वास्तु शास्त्र। ओ, वास्तु शास्त्र क्या? मतलब तूने क्या समझा था? मैंने तो कुछ और ही समझा था। भगवान, ये नहीं सुधरेगा। चलो इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब क्या जरूरत है जब शास्त्र ही बदल गया? आई डोंट लाइक ये वास्तु, ओनली आई लाइक दैट वात्स्यायन सूत्र। ये पागल हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज, निशब्द फिल्म में काम करने वाली अनुष्का साइलेंटली अपने बॉयफ्रेंड के साथ चेहरा ढककर घूम रही है। वो कौन है आप यही सोच रहे हैं ना? कि वो कौन होगा? हमारा बर्निंग स्टार शंकु। ए, ए, हटना। ए, ए, यार अकल है कि नहीं? हाय। हाय सर। हाय। हाय। वैसे अभी आप कह रही थी ना, शंकु अनुष्का का बॉयफ्रेंड है क्या? लोग तो कहते हैं कि प्रभास है। शॉपिंग मॉल में कैजुअली मिले थे ना, तो हमने उसे कैच कर लिया। इस तरह वीडियो बनाने पर उनको बुरा नहीं लगता है क्या? हाँ। इन सब बातों के लिए बुरा मानने का समय उसके पास कहाँ होता है? इस तरह के न्यूज जब आते हैं तो देखने वाले को किक मिलता है और हम जैसों को लक मिलता है। कितनी बकवास करती है। इंटरेस्टिंग वीडियो के बीच में इरिटेटिंग एड की तरह ये कौन आती है? वन सेकंड, बाय द वे इसका नाम है सिद्धू और ये है वो। मेरा नाम है जांगरी, तुम्हारा नाम रसगुल्ला है क्या? जांगरी और रसगुल्ला मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तुम्हारा नाम रसगुल्ला है ना? नहीं सरोजा। ओश। और हाँ, ये गॉसिप वीडियो बनाने में नंबर वन है। हाँ, हाँ लग तो रहा है। वैसे उस दिन गोदावरी एक्सीडेंट में ड्राइवर को डाइवर्ट करने वाले तुम ही हो ना? बाप रे, उस गोदावरी और मेरा कोई संबंध नहीं है, माफ कर दो बहन। अच्छा सरोजा दीदी, अब हम चलते हैं। चल भाई चलते हैं यहाँ से। पर मतलब मेरा नाम उसे जोड़ रही है। बाय सरोजा। बाय सर। इंट्रोडक्शन सिर्फ इतने ही लोगों से करवाना था, फिर और कोई बचा है? एक और है। कौन है सर? हारिका। हारिका लड़की है क्या? हारिका है तो लड़की होगी ना, इस चैनल की वन एंड ओनली एंकर, इस चैनल की क्वीन। इतनी सुंदर दिखती है क्या? बहुत अच्छी। ची 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 ची। इसे कोई और नहीं मिला था क्या? जल्दी से मिलवाओ ना। सब्र करे यार, आएगी ना। अरे उधर देखो, आ गई। इधर मत देखो, सामने देखो। मैं ही हूँ। कौन है ये लोग?
घूर कर ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत बाय द वे बहुत नए हैं ये यहाँ पर, और इसका नाम है सिद्धू। हाय। हाय। और ये है, तू ही बता दे यार। जागरी जागरी। जांगरी, आप जांगरी बेचते हैं क्या? बहुत खाता हूँ इसीलिए रखा है। हाय। ओ, अच्छा ये बात है क्या, सेल्फी लेते हैं। अब तुम्हारे साथ। यार रुक जाना, तू बहुत जल्दीबाजी करता है। रुक। आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? करता हूँ। अपना फोन दो जरा। मेरा भी फोन लीजिए। तुम्हारे अकाउंट से मैंने फॉलो किया है, लाइक और कमेंट करना भूलना मत। ओके? हाँ सब करूंगा जी। हाय मैडम। हाय रोबो। वो ट्रिपलेक्स कंपनी वाले एक पोस्ट का 50,000 से ज्यादा देने से मना कर रहे हैं। तो फिर 49,000 देने के लिए ये क्या मैडम, एक ही कम है ना? जीरो सेंटीमेंट मेरे लिए वर्कआउट नहीं होता। 49 मुझे देकर 1,000 तुम रख लो। थैंक यू मैडम, जस्ट अ मिनट। ओके ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ठीक है मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम का टाइम हो रहा है, मैं अब चलती हूँ। बाय सर। बाय हारिका। ट्रिपल एक्स शॉप यार। इंस्टा पे फॉलो करने के लिए क्यों कह रही है? वो क्या है ना, उसके इंस्टा फेसबुक पे 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और जिसका भी प्रमोशन करना होता है उससे पैसे लेती है। बाप रे, सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। सुनिए अपना फोन दीजिए। वो किस लिए? अरे दीजिए ना। अब ये फोन में क्या करेगा? क्या किया तूने? मार दिया फॉलोइंग, मार दिया। आज से फॉलोवर्स को बढ़ाकर लाखों लाखों रुपए कमाऊंगा मैं, देख लेना। तू कितना भी फॉलो करवा ले तेरा कुछ नहीं होने वाला, और भी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना है। चलो चलते हैं। सर, आज के लिए इतना काफी है सर, काम करते करते उनसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ओके ठीक है, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, काम के बारे में कल डिस्कस करेंगे। अपने न्यूज रीडर प्रमिला के साथ रिलैक्स। सर सॉरी, काम के बारे में डिस्कस करूंगा, के साथ रहूंगा तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा यार। बी केयरफुल ऑल द वे, बाद में मिलते हैं। अरे बाप रे कितना कमा रही है यार ये। हेलो। हाय मैं हारिका बोल रही हूँ। हारिका? हाँ वही, सुबह ही तो मिले थे हम, वही हारिका हूँ मैं। ओ या या या, याद आया, बोलिए ना। मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक किया तुमने? सुबह ही तो फॉलो किया था ना, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। एक बार पेज ओपन करके चेक करो। ओके हाँ कर दिया। मैंने मॉर्निंग में जो फोटो अपलोड की थी, हम दोनों की फोटो, उसके नीचे कमेंट्स चेक करो। आपकी जोड़ी सुपर है, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बापरे तुम दोनों शादी करोगे तो अच्छा होगा। हे भगवान, सबने अपना अपना अलग ही कमेंट दिया है। हाँ, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। क्या बात है? मॉर्निंग में आपको देखते ही आप मुझे पसंद आ गए थे। मैं खुद से ज्यादा अपने फॉलोअर्स की बात सुनती हूँ, इसीलिए हम दोनों शादी कर ले क्या? शादी? हाँ। मैं तो आपके नाम के सिवाय कुछ जानता ही नहीं हूँ, ऐसे में शादी? सारी डिटेल्स बताने के लिए मैं कोई आधार कार्ड अप्लाई कर रही हूँ क्या? शादी कर लेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? ओए चुप क्यों हो गए तुम? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, सोचूंगा। जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। बाप रे। तुम्हें एक बात बताना भूल गया। क्या बात है भाई, मुझे बताया बिना रात में मार लिया क्या? ऐसी बात नहीं है, अपनी एंकर हारिका है ना, उसने रात में कॉल किया था। अरे बाप रे, उस छोरी ने तुझे कॉल किया? लेकिन क्यों? उसने शादी के लिए पूछा मुझे। अरे इसकी तो, तू तो बहुत आगे निकल गया भाई। क्या बोला तूने? क्या बोलता? बोल दिया कि सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्या यार तू भी, ऐसे मौके पर कोई मना नहीं करता है भाई। तो फिर आरती जब मिलती है तो ले लेनी चाहिए, बुझने के बाद नहीं। ऐसा अगर चांस मुझे मिलता ना तो मैं तो बजा देता। इसलिए तुझे नहीं मिली, चल। कहना क्या चाहता है, मैं उस लायक नहीं हूँ क्या? सोच सोच कर ही मेरी हालत खराब हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाथ है मौके को जाने नहीं देना चाहिए। सिद्धू आओ आओ, बहुत स्वादिष्ट है, खाओ। क्या सर कुछ खास है क्या? लगता है प्यार के मामले में पढ़कर हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दोगे तुम। आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया। किसे किया? स्कोप लगाया ना, अब रोज चिकन डिनर होगा। शनिवार का समय था, समय 11:30 हुआ था, तभी घड़ी का काटा टन 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 करके बजा रहा। तभी अंदर आए हुए हीरो ने प्यार 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 कहकर फंसाने वाला मासूम सा लड़का। हाँ ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ये सब क्या है? तुम्हें कैसी बात कर रहे हो सिद्धू, शादी फिक्स हो गई है। तेरी शादी?
समझदार इंसान कोई दूसरी शादी करता है क्या? हा? मेरी नहीं, मेरे फ्रेंड सिद्धू की। मेरी? आपसे किसने कहा? हारिका ने। हारिका? कहाँ है वो? बगल के कॉफी शॉप में गई है। ए सिद्धू, जल्दी जाकर उससे मिल ले भाई, कहीं ऐसा ना हो कि शादी करके बच्चे भी हो जाए और तुझे पता भी ना चले। लगता है इसे मिठाई पसंद नहीं है, वापस लेकर जा रहा है। What the hell are you doing? अरे मैंने क्या किया, दादी को खिला रहा हूँ मैं। दादी? किसकी दादी बे? दादी बोलता है नालायक कहीं का, निकल यहाँ से। तो फिर तुम खाओ बेबी। मैडम लगता है कि वो चंदना ब्रदर्स वाले भाव बढ़ाएंगे, आप थोड़ा होस्ट कीजिए। तो फिर थोड़ी वन देने के लिए कहो। ओके मैडम। मतलब तुम दो रख लेना और बाकी का मेरे अकाउंट में डाल देना। थैंक्स मैडम, चलता हूँ मैडम। बाय मैडम। हाय हारिका, ये मिठाई और शादी कैसी? बढ़िया है ना, मैंने पुल्ला रेडी से मंगवाया है। मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ से मंगवाई है, पर क्यों मंगवाई है ये पूछ रहा हूँ। कल जब मैंने शादी के बारे में पूछा था तुमने ही तो कहा था। सोच कर बताऊंगा बोला था, कंफर्म हाँ तो नहीं बोला था ना मैंने। तुमने कहा कि सोचूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो तुम पसंद करते हो, इसीलिए मैंने सबसे शेयर कर दिया। हाँ और एक बात, इंस्टाग्राम में भी डाल दिया। अभी तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हो सच में। ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो, बैठकर शांति से कॉफी पियो। मुझे नहीं पीना। अगर तुमने कॉफी नहीं पिया तो प्रोग्राम के एंड में मैं बता दूंगी कि हम शादी कर रहे हैं। एक कॉफी के लिए तुमने इतना सब कुछ किया? तो फिर बैठ जाओ। ये पक्का चंद्रमुखी की बहन लग रही है। हाँ एक्सक्यूज मी, वन कॉफी लाता हूँ मैम। कॉफी पियोगे या पोस्ट कर दूँ? सिद्धू तुम किसी से लव करते हो क्या? नहीं। सब कुछ काम कर रहा है ना? क्या कहा? हाँ वो सेंसेक्स काम कर रहा है ना? अच्छा वो, मैं कुछ और ही समझ रहा था। हेलो, जोर से बोलो ना। किसी से प्यार कर सकूं ऐसे कोई मिली नहीं। अगर मेरे बारे में ठीक से सोचोगे तो तुम्हारे अंदर के सारे सेंसेक्स काम करना शुरू कर देंगे। मैं पे करता हूं। ए, हमें पे करने की जरूरत नहीं, वो खुद हमें पे करेंगे। अच्छा? यकीन नहीं हो रहा, ओपन करके देखो। ये हमें क्यों पे कर रहे हैं ऐसा सोच रहे हो ना? हाँ। चलो चलते हुए बात करते हैं। पैसे उन्होंने क्यों दिए? यहाँ सेल्फी लेते हैं। बाप रे, मैं नहीं दूंगा। एक बार सेल्फी ली तो तुम शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गई, इस बार खिंचवाया तो डायरेक्ट हनीमून पे जा रहे ऐसा पोस्ट डाल दोगी। आइडिया अच्छा है, अगर अभी तुम नहीं खिंचवाओगे तो मैं ऐसा ही करूंगी। कॉफी शॉप में जब भी आती हूँ यहाँ कॉफी पीती हूँ, कॉफी अच्छी ऐसा पोस्ट करती हूँ, उनका प्रमोशन हो जाता है, मेरे पैसे बन जाते हैं। तुम मामूली लड़की नहीं हो। तुमने देखा ही क्या है, ब्यूटी पार्लर, सुपरमार्केट, चिकन सेंटर, जहाँ जाती हूँ वहाँ सब फ्री है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें भी ऑफर्स मिलेंगे, ये बम्पर ऑफर मिस मत करना। चलो चलते हैं। तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा क्या? सोचा या नहीं? मेरे बारे में सोचा या नहीं बताओ। अरे बाप रे, ये तो सपने में भी आकर जान खा रही है। सोचा क्या? सोचा या नहीं? अकेले ही खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे क्या? नहीं खिलाओगे, मेरे बारे में नहीं सोचोगे क्या? जाओ यहाँ से। अभी बताती हूँ। नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं सोचा। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? ओ, कुछ नहीं माँ। बताएगा या एक घंटे नजर उतारू? एक घंटा? आपकी और आपकी नजर को मेरा सलाम। मैं बताता हूँ, एक लड़की मुझे कई दिनों से डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, लड़की? सच में? हाँ। कौन है वो लड़की? उसका नाम हारिका है। हाँ। हमारे न्यूज चैनल में एंकर है। शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं कहकर हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, जरा फोटो दिखाना उसकी। ये लड़की है। हाँ? ये लड़की? कहीं आप भी इसे फॉलो तो नहीं करती है?
मेरी फ्रेंड तो इसे बहुत अच्छे से जानती है। वो कुछ भी खरीदती है, कुछ भी खाती है, उसके लिए सब बिल्कुल फ्री है। जल्दी से शादी कर लेना इससे, तो हम भी हमारे घर में सब कुछ फ्री में ला सकते हैं। अपना मंथली बजट भी कम हो जाएगा। मतलब मुझे मंथली बजट के लिए दांव पे लगा दोगी क्या? बात वो नहीं है बेटा, ये बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि ये जितना कमाती है उससे ज्यादा लोगों की मदद करती है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? तेरे लिए इतनी अच्छी लड़की तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। आगे देख ले, तेरी मर्जी। ठीक है, देखते हैं। ऑल द बेस्ट। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि नेक्स्ट वीक हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वो कौन है सर? सत्यानंद। सत्यानंद जी? हाँ वही। वो बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाने वाले हैं और वो फिल्म मल्टी लैंग्वेज होगी। उन्होंने हमारे चैनल को इंटरव्यू देने की मंजूरी दी है। इस इंटरव्यू से अगर हमने उनको इम्प्रेस कर दिया तो उनकी फिल्म का डिजिटल प्रमोशन हमें ही मिलेगा। तुम लोग क्या करोगे मैं नहीं जानता। मूवी के प्रमोशन का काम हमें ही मिलना चाहिए। श्योर सर। ओके, तुम लोग काम पर लग जाओ। थैंक यू सर। सिद्धू। हाँ सर। हमें इस इंटरव्यू को अच्छे से करना होगा। कैसे करना है सोचो। श्योर सर। ओके। अभी अभी 350 करोड़ ओके हुए हैं, अभी चिकन डिनर नहीं उसके ऊपर ही जीतेंगे मटन। तो सुधरेगा नहीं क्या? ए नंबर 4 रिवाइंड कर, रिवाइंड कर। आपकी 149 मूवीज में से किसी एक को फिर से रिलीज करना होगा तो किसे करेंगे? कैदी। कैदी? पुराना कैदी। पुराना कैदी, सुपर। के फॉल से मुझे डर लगता है, टेरर, आई एम टेरिफाइड। Why? Yeah, because his भगवान somewhere through. आप भगवान को नहीं मानते तो ये सब क्यों मानते हैं? के पॉल को मानता हूँ। एवरी टाइम नए तरीके से देखने पर नई हीरोइन के साथ रहेंगे तो नई फिल्म कैसी है ये समझ में आती है। मैं पुराना हूँ इसलिए नए एलिमेंट ढूंढता रहता हूँ। 20 साल पहले जब मैं स्ट्रगल करता था तब मेरे पास फोन नहीं था और ना ही फोन में कैमरा था, और सच कहूँ तो तभी सही था। समझो अगर मैं इडली खा रहा होता हूँ तो सामने से कोई आकर मेरी सेल्फी खींच लेता है। आमतौर पर अगर शाम को आपको भूख लगे तो क्या खाते हो? इडली, डोसा, चिप्स या कुछ यू नो जो आपको अच्छा लगे। You know what's it? Seeds, dog biscuit. Dog biscuit. Dog biscuit होते हैं ना, वो खाती है। I don't know anything. सच कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो अजीब लग रहा है ना, सच में ये dog biscuit खाती है। किसी भी तरह से इस इंटरव्यू को नए तरीके से डिजाइन करना होगा। कैसे कैसे कैसे? हाँ, yes. सर मेरे पास एक आइडिया है, इंटरव्यू को लाइव करने का प्लान बनाते हैं। हमारे चैनल के 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर लाइव इंटरव्यू देंगे तो तकरीबन 40 से 45 हजार लोग उसे देखेंगे। अगर मेरा प्लान वर्कआउट हुआ तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोग देखेंगे। कैसे? इस इंटरव्यू के लिए अभी भी 6 दिन का टाइम है। इस 6 दिन में मिनिमम 2 से लेकर 3 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि लोग उसे देखेंगे ही? यस, जरूर देखेंगे। हमारा इंटरव्यू लगभग आधे घंटे का होगा। उस आधे घंटे इंटरव्यू देखने वालों के लिए उस इंटरव्यू से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस डालेंगे। सही आंसर देने वालों के लिए हम लकी ड्रॉ डालेंगे। पहले प्राइस के लिए 5 लाख होंगे, दूसरे प्राइस के लिए 3 लाख, तीसरे प्राइस के लिए 1 लाख। 100 लोगों को स्मार्टफोन देंगे, 50 लोगों को स्पेशल गिफ्ट देंगे, ऐसा अनाउंस कर देते हैं। Well, अगर ऐसा करेंगे तो हम पर स्कोप होगा क्या? बहुत ज्यादा होगा। यस, यू कैन प्रोसीड। बस एक मिनट सर। सर ये नया ओपन किया गया होटल है, फर्स्ट वीक में खाने के लिए कोई भी नहीं आया। ये सेम होटल है, ये वही होटल है जहां 1 हफ्ते के बाद बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो लोग अचानक कैसे आए? पहले वीक में लोग कम आए, इसलिए लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें ये सोचकर होटल वालों ने 3 दिन का खाना फ्री कर दिया। लोगों ने सोचा कि खाना फ्री में मिल रहा है इसलिए खाने के लिए चले गए। खाना अच्छा था, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन फ्री में खाना खिलाया, उसके बाद लोग खाने के दीवाने हो गए। इतना ही क्यों सर, उबर, ओला, जियो, इन लोगों ने भी तो फ्री ऑफर डालकर सक्सेस पाई है ना। उसी फॉर्मूला को हम इंटरव्यू में अप्लाई करते हैं, पक्का वर्कआउट हो जाएगा सर। तो फिर 10 से 15 लाख का खर्चा हो जाएगा ना प्राइज मनी के लिए? जरूरत नहीं है सर, हम 1 रुपया इन्वेस्ट किए बिना ही सबको प्राइज मनी आसानी से दे देंगे। वो कैसे? इंटरव्यू के विषय को हाईलाइट करते हैं, ऑटोमेटिक स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, वो सारे पैसे हम उनसे ही भरवा देंगे। इस तरह से हमारा इंटरव्यू भी सक्सेस हो जाएगा और साथ ही साथ उस फिल्म का भी प्रमोशन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमारे चैनल के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स सारे बढ़ जाएंगे। एक्सीलेंट, गुड आइडिया, कीप गोइंग। थैंक यू सर। प्लीज हेल्प हिम कम ऑन। ओके सर, कांग्रेट्स सिद्धू। थैंक यू सर। अच्छा आइडिया था। थैंक यू सर। सिद्धू,
कांग्रेट्स, थैंक्स। तुम्हारे अंदर कंटेंट के साथ इसे एग्जीक्यूट करने का टैलेंट भी है, कीप इट अप। थैंक यू, इसमें मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए होगी। क्या हेल्प करूं? हमारी शादी का खर्च मुझे ही करने के लिए कहोगे? अरे यार वो नहीं, इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर तुम्हारे इंस्टाग्राम और FB पे पोस्ट करना होगा। अच्छा, तुम्हारे लिए तो फ्री में करूंगी। थैंक यू, बाय बाय। वाओ सिद्धू, तुम ग्रेट हो यार। हारिका के मुंह से पोस्ट फ्री, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार। हाय व्यूअर्स, हमारे HMTV में द ग्रेट प्रोड्यूसर सत्यानंद जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। उस इंटरव्यू को लाइव देखिए, 10 लाख के साथ साथ स्पेशल गिफ्ट पाइए। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि मैं उनके इंटरव्यू से संबंधित 3 सवाल पूछूंगी। फर्स्ट प्राइस 5 लाख, सेकंड प्राइस 3 लाख, थर्ड प्राइस 1 लाख। इसके साथ साथ 100 लोगों को मोबाइल फोन्स मिलेंगे। ना ही नहीं, इसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज से शेयर करने वालों में से लकी ड्रॉ करके 50 लोगों को स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। और अब किस बात की देर, शेयर कीजिए, इंटरव्यू देखिए और गिफ्ट पाइए। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, मैं हूँ उपल और इस समय मैं गोवा आया हूँ। पूरी तरह से तैयार भी हूँ। कल होने वाले इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस का आंसर देकर वो प्राइज मनी मैं ही जीतूंगा, ये पक्का है, पक्का है। डार्लिंग, तुम्हें आईफोन चाहिए था ना? 2 दिन में खरीद कर दूंगा। पर पहले तो नहीं कहा था? परसों एक इंटरव्यू है मेरा, उसमें जीत कर मैं आईफोन दूंगा। अच्छा, लव यू डार्लिंग। कल जो इंटरव्यू होगा उसमें सारे पैसे मेरे होंगे, मेरे होंगे, मेरे होंगे। आ जा तेरी तो। हे भगवान, उस इंटरव्यू के 5 लाख मुझे ही मिलने चाहिए भगवान। फिर से तिरुपति आकर मैं टकला हो जाऊंगा भगवान। सब मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, प्लीज भगवान जी। कल होने वाले इंटरव्यू में 2 लाख मेरे ही हैं, मेरे ही हैं। अरे ये न्यूज आर्टिकल एडिटर को भेज दे। कांग्रेट्स सिद्धू। और कोई हमारे चैनल्स के बारे में ही बात कर रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ गए हैं यार। अगर इंटरव्यू भी ऐसे अच्छे से हो गया ना, तो इस रिस्पांस से हमारे चैनल का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम ट्राई करेंगे सर। आई नो यू विल डू इट मैन। थैंक यू सर, कीप इट अप। ये क्या है भाई, चैनल में हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हमें कांग्रेट्स नहीं बोलोगे? सिद्धू को कहूं या तुम्हें कहूं, ये की बात है, चुपचाप अपना काम कर भाई। ये क्या भाई, मुझे लगा मैं अकेला हूँ, यहाँ तो बहुत लोग हैं। इस समाज को सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। बेबी, तुमने सुना उसने क्या कहा? चुपचाप काम करना। अरे इसका भी दिमाग खाली है। ओके, ये अर्जेंटली सेंड कर देना। करता हूँ यार। कांग्रेट्स सिद्धू जी, तुम अपना काम करो। अरे थैंक यू हरिका जी, इसमें आपके भी एफर्ट्स है ना। तो मैं फिर अपने फॉलोअर्स से क्या कहूँ? उन्हें अपना अपना काम करने के लिए कहूँ? मैंने उनके बारे में नहीं पूछा, हमारे बारे में पूछ रही हूँ। अब तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। 60 साल के हो जाओगे तब करो? नहीं, जब तक तुम हो जाओगी तब तक। ठीक है, वेट करूंगी, बाय। ये क्या किया यार, पसंद है तो बोल, पसंद है नहीं है तो मना कर देना। उस बेचारे को परेशान क्यों कर रहा है तू? मिलने के जस्ट बाद ही उसने कहा कि हम शादी कर लेते हैं। जब भी मेरे सामने आती है हर वक्त पूछती रहती है क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया। मैं पसंद हूँ ये कहना जरूरी नहीं है, क्यों पसंद हूँ ये कहने के लिए कहूँ, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। कल इस एड्रेस पर आओ, क्लैरिटी दूंगी। ये क्या भाई, इसने तो स्कूल का नाम लिखा है, कहीं ये तुझे प्यार का पाठ तो नहीं पढ़ाने वाली? स्कूल का एड्रेस क्यों लिखा होगा इसने? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? स्कूल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रोल नंबर 19, सेकंड बेंच पे मेरे बगल में बैठने वाले सिद्धू से मेरा संबंध है। मतलब तुम वो पांडू हो? यार मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें पहली बार वहाँ पर देखा था। तुमसे मुलाकात, तुम्हें जिस पल देखा था
तुम्हारे साथ बिताया हुआ दिन, तुम्हारे साथ खेलने वाले खेल, सब सब याद है। पांडू रुको ना। मैं नहीं रुकूंगी। रुको। अरे रुको, रुक जाओ पांडू। ऐसे सिक्स स्टैंडर्ड के बाद मेरे पापा का ट्रांसफर मैंगलुरु में हो गया और हम यहाँ चले। तो फिर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? इंस्टाग्राम में मैंने हम दोनों ने जो फोटो अपलोड किया था उसके सारे कमेंट्स पढ़कर मैंने तुम्हारे फेसबुक को चेक किया। उसमें तुम्हारा बचपन का फोटो देखा और तुम्हें पहचान लिया, इसीलिए तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे पास आ गई। जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ। जब तुमसे बात करती हूँ लगता है तुम्हारे साथ ही रहूँ। मैं डेस्टिनी को बहुत मानती हूँ। पहले हम एक दूसरे से अलग हो गए थे, हम दोबारा मिले इसका मतलब जिंदगी भर साथ रहने के लिए होगा, इसीलिए कह रही हूँ आई लव यू। ऐसे कहोगी तो मैं नहीं मानूंगा। तो फिर कैसे कहूँ मैं? बचपन की पांडू की तरह कहना होगा। ए लड़के, तुम मुझे बहुत पसंद हो। सुपर सिद्धू, कल हम जो इंटरव्यू करेंगे उसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ब्रांड स्पॉन्सर वाले भी हम स्पॉन्सर करेंगे कह के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू सर। इस इंटरव्यू को तुम्हें ही सक्सेस करना होगा। डेफिनेटली सर। गुड, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच सर। नाइस। हाय सबको मेरा नमस्ते। गेट टुगेदर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आजकल के जमाने में अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। जो फिल्म बन जाती है उसको रिलीज करना उससे भी मुश्किल, रिलीज हुई फिल्म का हिट होना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पर 9 फिल्म बनाकर 8 हिट फिल्म हम तक पहुंचाने वाले, हमें एंटरटेन करने वाले द ग्रेट प्रोड्यूसर सत्यानंद जी अभी अयोध्या नाम की फिल्म लेकर हमारे समक्ष आने वाले हैं। उनके और उनकी फिल्म के बारे में जानते हैं। जैसा हमने पहले कहा था, इंटरव्यू आखिर तक देखकर हमारे पूछे गए सवालों का जवाब देकर प्राइज मनी जीतिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाय सर। हेलो बेटी, कैसे हैं आप? सुपर, तुम कैसी हो? बढ़िया हूँ सर। सिनेमा के प्रति आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? आप इंडस्ट्री में कैसे आए? मैंने बिगनिंग में थिएटर लीज पर लिया था,
और चलाता था। जब मैं उसे चलाता था तब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से हमारी बात हुआ करती थी। फिल्म जब रिलीज होती थी तो उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, असल में फ्लॉप क्यों हुआ, इस बारे में डिस्कस किया करते थे। वो उन्हें पसंद आया, तुम्हारा जजमेंट अच्छा है। प्रोड्यूसर होने के नाते अगर सिनेमा फील्ड में जाओगे तो बहुत ऊपर जाओगे, ऐसा कहकर मुझे इंकरेज किया करते थे। उस इंकरेजमेंट से मैंने पहली फिल्म भारत बनाई थी, वो फ्लॉप हो गई थी, सारा पैसा डूब गया। थोड़ी चिंता हुई, पैसा गया इसलिए नहीं, मैं दोबारा फिल्म बना पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं रुक तो नहीं जाऊंगा। फिल्म के प्रति मेरा इतना पैशन है। भारत फिल्म बनाने के बाद मैंने और 8 फिल्में बनाई जो सब की सब हिट हुई। ओह सर, व्यूज बढ़ रहे हैं सर। इस फिल्म के लिए भी आपके पास जो कुछ भी है वो सब दाव पर लगाकर भारी बजट से आपने फिल्म बनाई है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? फिल्म की कहानी सुनने के बाद, उस कहानी पर भरोसा करने की वजह से, उस पर इतना बजट लगाने के बाद ही इस फिल्म को न्याय मिलेगा ऐसा लगा मुझे, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी था वो सब बेचकर इस फिल्म में लगा दिया। आखिर में आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए सिनेमा ही मेरी दुनिया है, इसीलिए हमारी फिल्म अयोध्या पर हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, आप सब उसको सम्मान देकर हमें जीत दिलाएंगे, ये मैं तहे दिल से इच्छा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक दूसरे सेलिब्रिटी के साथ मिलते हैं। बाय। कांग्रेट्स सिद्धू। थैंक यू सर। यस सर। नमस्ते। कांग्रेट्स सर। सबका शुक्रिया। आपका इंटरव्यू जो इतना अच्छा हुआ और पब्लिक का जो रिस्पांस है उसकी वजह ये सिद्धू ही है। ओह ग्रेट सिद्धू। थैंक यू। इंटरव्यू की तरह हमारी फिल्म का प्रमोशन भी अच्छी तरह से करना। जरूर सर। चलता हूँ। ठीक है सर। कांग्रेट्स। थैंक यू। गुड सिद्धू, अयोध्या फिल्म का डिजिटल प्रमोशन हमें ही मिला है, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हो। थैंक यू। इस बेहद खास मौके पर वी आर गोइंग टू हैव अ नाइस पार्टी टुमारो। Enjoy the party. Yeah. क्यों सिद्धू जी, लव सेट हो गया है तो शादी कब होगी? उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। तुम शादी कब करोगी? जब बॉयफ्रेंड ग्रीन सिग्नल देगा। और तुम्हारी? मैं दूंगा ना सिग्नल, उसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए मैं नहीं, कोई और लड़की है जो करेक्ट होगी। लड़की है? कौन है? मेरे घर की काम वाली। क्या बोला, काम वाली? तुम्हारे लिए वो भी ज्यादा है। इसका भी पेश ढीला है क्या? हारिका कहाँ है, अब तक आई नहीं। हारिका, ए तूने याद किया और वो आ भी गई। तुम तो निकल जाओगे ऐसे देख रहे हो। आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मतलब? बहुत अलग लग रही हो। अलग मतलब? इतना कि प्यार आ जाए। अच्छा तो एक किस करो। यहाँ पर? यहाँ पर। इतने लोगों के सामने? ए लड़कियों से कभी कभार बम्पर ऑफर मिलते हैं पता है। कैसे इतने लोगों के सामने? तुम्हें एक क्लू देती हूँ। क्या? अभी टाइम कितना हुआ है? 8:58। अगले 2 मिनट्स में फेस चेंज होने वाला है। इस एरिया में फेस चेंज होने में 30 सेकंड्स लगेंगे, बस उसी समय तुम किस कर लेना। अगर लाइट पहले आ गई तो? हमारी फिल्म सभी देख लेंगे। नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मन करे तो कर लेना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। लगता है तुम दोनों को सीक्रेट बात कर रहे हो। तुम्हारा सिद्धू सबके सामने मुझे किस करेगा, ऐसा इसने मुझे चैलेंज किया। तू रोमांटिक है ये मैं जानता हूँ, पर इतना रोमांटिक है ये मुझे आज पता चला। बात वो नहीं है यार, वैसे इतने लोगों के बीच तो कैसे करेगा। मैंने भी तो यही सवाल पूछा था जांगरी, लेकिन इसने कहा कि 9 बजे लाइट चली जाएगी, उसके 30 सेकंड्स के बाद लाइट आएगी, इस गैप में मुझे किस कर लेगा। हाँ? इसने ऐसा कहा क्या? तू मामूली आदमी नहीं है भाई। ठीक है तुम अपना काम चालू रखो, मैं कोने में खा लूंगा। ए, 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 बात वो नहीं है। 9 बजे तूने बोला है ना, लगे रहो। इसे क्यों बताया, ऑडियंस का होना जरूरी है ना। अरे यार। नंबर 4। हाँ भाई। अभी मैंने बियर मारी है, ठीक है। अभी हमारा चिकन डिनर बाकी है, वो तो करके रहेंगे। हाँ ठीक है। ओ और ए नंबर 4, हमेशा पबजी खेलता रहेगा क्या? तो फिर एक इंटरेस्टिंग लाइव गेम दिखाता हूँ। वो कौन सा है? ए जुमान जी,
वहाँ सिद्धू हारिका को चूमने वाला है। हाँ? अच्छा हाँ? तेरी दाढ़ी की कसम, टकरास को बुलाने आया है। इतना आसान लग रहा है क्या? अगर उन दोनों ने किस कर लिया ना तो एग्जैक्ट 7 o'clock मैं ब्लेड से अपना गला काट लूंगा। चाहो तो तुम ब्लेड रेडी करके रख सकते हो, देख लेना। मैं लाकर रख देता हूँ, पहले तू वहाँ देख। हाँ देखता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब 10, 9। अरे प्रसाद भाई, कहाँ चला गया वो? वो बाथरूम में चला गया। फिर से वहाँ जा, डिस्टर्ब मत कर। 5, 4 भाई 3 नंबर मर गया। मरने दे, तू भी मर जा, वहीं जा। 1 बू। हाँ नहीं दूंगा। अरे मैं मर जाऊंगा, मेरा ब्लड कम हो रहा है। तो मर जा, मुसीबत टल जाएगी। अरे रे 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 रे। ये लाइट किसने ऑन कर दी? ए 7 o'clock चूम लिया ना, अब ब्लड से काटेगा क्या? मैं क्यों काटूंगा, एक्साइटमेंट में लोग तो कुछ भी कह देते हैं, तो कोई भी अपना गला ऐसे ही काट लेगा क्या? वो मेरी बियर है। सॉरी। वहीं रख दे। नंबर 4 यहाँ मटर डिनर हो गया, फिश डिनर रेडी है क्या? नंबर 4। मैं तो कब का मर चुका हूँ। ओह माय पबजी। आई हैव टू स्टार्ट न्यू गेम। आई थिंक यहाँ का वास्तु अच्छा नहीं है, दूसरी जगह जाकर खेलता हूँ। नंबर 4। नंबर 2 तुम हो ना? नंबर 2 वेयर आर यू? आई एम कमिंग। ए तूने तो सच में से चूम लिया यार। ए लड़की ने आगे से ऑफर दी तो बिना चुमे कैसे रहता? तू मामूली इंसान नहीं है, खिलाड़ी है भाई। हाँ सुरेंद्र सर, हमारे फर्स्ट लुक पोस्टर की सारी तैयारी हो गई क्या? हाँ हो रही है सर, श्रेयस मीडिया अच्छे से कर रहे हैं, उनके होते हुए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाय सर। आओ सिद्धू बैठो, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ सर। सर इसमें मूवी प्रमोशन से रिलेटेड कोटेशन है सर, जब भी फ्री रहेंगे एक बार देख लीजिएगा। ओके सिद्धू, जो इंटरव्यू तुमने प्लान किया था उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फोन आया, हम खरीदेंगे कह रहे हैं वो। ओह बट मैं बेच नहीं सकता क्योंकि फिल्म बहुत ही अच्छी बनाई है मैंने, मैं खुद ही रिलीज करने की सोच रहा हूँ, तो किसी भी तरह से तुम लोगों को इस फिल्म को प्रमोट करना होगा। जरूर करेंगे सर, हमसे जितना हो सकेगा हम उतना एफर्ट डालेंगे। फर्स्ट लुक का कब प्लान कर रहे हैं सर? नेक्स्ट वीक करते हैं, हमारा सुरेंद्र फर्स्ट लुक भेज देगा, उसके आते ही प्रमोशन स्टार्ट करते हैं। ओके सर, अभी मैं चलता हूँ, बाय सर। गुड लक। थैंक यू सर। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी अयोध्या मूवी हमारे सामने आने वाली है। हमारी अयोध्या फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है, तुम्हें भी जाकर देखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बहुत खुशी हुई, थैंक यू। हेलो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी अयोध्या की फिल्म आ गई है, टिकट बुक कर लो, टाइम खत्म होते जा रहा है, फुल हो गया है, टिकट मिलना मुश्किल है। पूरी मूवी जबरदस्त है। हाँ अच्छी है, मूवी का एक एक सीन बहुत अच्छा है। अच्छी है, मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी, पूरी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया बनाई है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर मूवी है, बहुत मजा आया, अच्छी मूवी है। बाबा 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 बाबा, अयोध्या जैसी मूवी, नेवर बिफोर एवर आफ्टर। आपको समझ में आ रहा है ना? अभी दिलराज ने फोन किया था, सब तारीफ कर रहे हैं सारे एरिया में, आंध्रा ही नहीं सिगेट नाइजा तीनों एरिया में सुपर हो रही है। टोटली ये मूवी बहुत बढ़िया है, कमाल है, कमाल की मूवी बनी है, और संक्रांति में ये रिलीज हुई है, बहुत बढ़िया है। सिनेमा तो बहुत बढ़िया है, फिल्म ने तो फाड़ के रख दिया, मैं तो आसमान पे उड़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है। आप बता सकते हैं कि आप कहाँ तक उड़ गए? कहाँ तक उड़ा मैं ये नहीं बता सकता। हाँ सर बोलिए सर। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है मैं अभी आता हूँ। उनकी मौत से आपको कैसा लगा? बात क्या है कुछ पता तो नहीं है, लेकिन बस कॉल आया था उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात भी सही है। एक मिनट।
क्या हुआ सर? सुसाइड कर लिया उन्होंने। सुसाइड? पर क्यों सर? जब फिल्म रिलीज हुई उसी दिन HD प्रिंट की पायरेसी हो गई। अब तक करीब 50 लाख लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया होगा। पायरेसी की वजह से लोगों का थिएटर में आना बहुत कम हो गया है। रिलीज होने के दूसरे ही दिन पूरा का पूरा कलेक्शन गिर गया। अयोध्या फिल्म के लिए उन्होंने 200 करोड़ का कर्ज लिया था सिद्धू। कर्ज देने वाले फोन पर फोन कर रहे थे, कर्ज कैसे चुकाएंगे समझ में नहीं आ रहा था। फिल्म की ऐसी हालत देखकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। प्रोड्यूसर सत्यानंद जी की अचानक मौत पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। भले ही मैं मर जाऊं, मेरा सिनेमा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं सिनेमा बनाता ही रहूंगा। सिनेमा बनाते बनाते ही मर जाऊंगा। चल यार। ए, सब चलेगा यार, तू चलना। इतना अच्छा इंसान इस तरह कैसे मर गया यार? फिल्म हिट हो गई, जब सोचा कि सब कुछ अच्छा है तो फिर ये पायरेसी क्यों यार? अगर ये फिल्म बाहर लीक नहीं हुई होती तो इन्हें पैसे मिलते और आज ये जिंदा होते ना। सच कह रहा यार, सुबह सुबह ही जो फिल्म रिलीज होती है उसे दोपहर से पहले पायरेसी कर देते हैं। ये पहली फिल्म नहीं है यार, इससे पहले भी देख ले, आधा गारंटी ठेकेदारी, गीता गोविंदम, टैक्सी वाला, बस यही नहीं, रिलीज होने वाली हर फिल्म पायरेसी कर देते हैं। आराम से, ये सब काम करने वाले सभी का भला हो रहा है और बाकी लोगों का ये हाल हो रहा है। इतने दिनों तक कुछ करना है ये सोचकर चूल मची रहती थी, पर अब क्या करना है मैं समझ गया हूँ। इसके पीछे जो कोई भी है मैं उसे बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। दुखी मत होइए मैडम, आज भी वो अपने मूवी के जरिए सबके दिलों में जिंदा है। मैं अपने पति को बचपन से जानती थी, 10 साल की उम्र से ही उन्हें फिल्मों के प्रति बहुत लगाव था, इसलिए वो थिएटर में सिनेमा के टिकट देने का काम करते थे ताकि हर दिन फिल्म के करीब रह सके। उनकी पहली फिल्म जब फ्लॉप हुई थी तब मैंने उन्हें समझाया था कि फिल्मों का काम हमें रास नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं माने और सब कुछ बेचकर दूसरी फिल्म बनाई जो सक्सेसफुल हुई। 350 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा ऐसा उन्होंने कहा था। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना, तब उन्होंने कहा था कि कहानी अच्छी है फिल्म चलेगी, तो उन्होंने कर्ज लेकर फिल्म बनाई। रिलीज से पहले वो बहुत टेंशन में थे, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी फिल्म क्यों बनाना जिससे इतनी टेंशन हो। वो कहते थे फिल्म बनाना खुशनसीबी है जो हर किसी को नहीं मिलती, उस खुशी का एहसास सिर्फ फिल्म बनाने वाला ही कर सकता है और कोई नहीं। और आखिर में उसी फिल्म के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी बेटा। हाँ हेलो, बोलो। वो साइबर टीम वालों का कांटेक्ट नंबर मिला है, उनको कॉल किया था, कल मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट दिया है। ठीक है, कल जाकर उनसे मिलते हैं। सर मेरा नाम सिद्धू है, मैं HM TV में जर्नलिस्ट हूँ, ये मेरी टीम है। कुछ दिन पहले अयोध्या फिल्म की पायरेसी हुई और प्रोड्यूसर सत्यानंद जी की मृत्यु हो गई, ये आपको पता ही होगा। yeah. मुझे इस पायरेसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। ओके, बोलिए। सर ये पायरेसी होती कैसे है? ये पायरेसी एक बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत तरीके से होता है। ये थिएटर से लिंक लगाकर थिएटर में फिल्में रिकॉर्ड करके बहुत सी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अभी तो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट के द्वारा आए हुए कोड को हैक करके ओरिजिनल प्रिंट को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उस मूवी को साइट्स पे अपलोड कर देते हैं। IP एड्रेस को ट्रेस करके वो अपलोड किए गए साइट को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं क्या? ब्लॉक कर सकते हैं, पर हम एक को ब्लॉक करते हैं तो वो दूसरे डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह से उनका क्या फायदा होता है? लाखों रुपए की कमाई होती है। कैसे सर? उस साइट्स पर आने वाले एड्स के द्वारा, रील्स द्वारा, डाउनलोडिंग के जरिए कमाते हैं वो। अगर वो ठान ले तो इंसान की परछाई भी चुरा सकते हैं। इसे कंट्रोल नहीं कर सकते है क्या? हम क्राइम को कितना भी कंट्रोल कर लें, पर हम इस पायरेसी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे सिस्टम में आए हुए वायरस की तरह, बॉडी में आए हुए इन्फेक्शन की तरह, आग की तरह फैल रहा है। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग आज तक समझ में नहीं आई,
एक साइड को ब्लॉक किया तो दूसरी साइड चालू कर देते हैं, एक जगह को पकड़ा तो दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे पायरेसी करते हैं वो लोग। मेहनत से फिल्म बनाने वालों की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं वो। इसे रोकने के लिए थोड़ा टाइम तो जाएगा। ओके सर, अगर जरूरत पड़े तो फिर से मिल सकते हैं ना? श्योर, एनी टाइम। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। ए, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो लोग रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे रोकेंगे यार? संकल्प से। रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया था तब भगवान श्री राम शांत बैठे थे क्या? हनुमान जी की मदद से रावण का वध करके उन्हें वापस लेकर आए थे। मतलब अभी तुम राम हो और वो अंदर हनुमान है क्या? कुछ भी हो सकता है, युद्ध शुरू करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। एक काम करोगे क्या? वो पायरेसी कैसे रोके ये मैं अपने इंस्टा पे पोस्ट करूंगी तो कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। उनके पास इतना टैलेंट होता तो वो तुम्हें क्यों फॉलो करते? अब बस करोगे क्या? मेरे फॉलोअर्स में 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, 20,000 से ज्यादा इंजीनियर्स, 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं, जानते हो क्या? अच्छा, बानरों की अच्छी सेना तैयार की है ना? वो सब छोड़कर इसे कैसे रोकना है हमें इस बारे में सोचना होगा। ओके, तुम ट्राई करो, तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं करूंगी। थैंक यू, चलो। तुम सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक कर सकती हो। मैंगलोर, अगर मैंगलोर जाऊंगा तो हमें पक्का कोई क्लू मिल सकता है। कौन है बताओ? सृजना, खाना खाया क्या? कौन है ये सृजना? है कोई। क्यों कहा? अरे कोई नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कहा। लगता है तुमने ये रिसर्च सेंटर बना रखा है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। वो सब ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारा 4 दिन का डेट चाहिए। मेरी सिस्टर की शादी तय हुई है, 1 हफ्ते में शादी है, मैंने सभी को बता दिया है, सभी आ रहे हैं, तुम भी आओगे ना? रानी ने ऑर्डर दिया है तो मुझे पक्का आना ही पड़ेगा ना। वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मैंगलुरु की तरफ एक गांव है। मैंगलोर? क्यों इतने शौक क्यों हो रहे हो? सृजना वहीं रहती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कब निकलना है? परसों। ठीक है, चलते हैं। ये क्या लाइट ऑफ कर दिया? तुम नहीं जानती क्या? तुम दिन भर दिन रोमांटिक होते जा रहे हो। जैसे मेरी माँ नजर उतारती है, लगता है तुम्हारे घर वालों को भी वही आदत है। उससे भी ज्यादा, देखते जाओ। ए, रुको रुको रुको, यहाँ पर बाथरूम कहाँ है? हाँ हाँ, उधर पेड़ पौधा है ना, उधर ही। जहाँ भी हो वहाँ जाऊंगा, बहुत जोर की लगी है। मेरी माँ, मेरे पापा। नमस्ते, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ये मेरी छोटी दादी, ये मेरे छोटे दादा। नमस्ते। देवरा तंतारिकु बेका। देवर तंबाकू बेका। ये मेरे बड़े दादाजी, बड़ी दादी जी। ये मेरे छोटे दादाजी, मेरी छोटी दादी। ये लोग पत्ते क्यों खा रहे हैं? मेरी दीदी, ये थोड़ी शर्मीली है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा शर्मीली है। मेरे भैया, मेरी भाभी। हेलो, ये क्या, ये कुछ अजीब लग रहा है। ये लो, आपको भी लगाऊं क्या? ये क्या है? ये आपके लिए स्पेशली बनाया है। स्पेशली बनाया है? दोबारा कभी मत बनाना, बना लिया तो देना मत किसी को। ये उनके बच्चे हैं। नमस्ते अंकल जी। ये क्या है? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। ये लोग अंकल आंटी क्यों बोल रहे हैं? ये बड़े लोगों की थोड़ी इज्जत करते हैं। थोड़ी नहीं, बहुत करते हैं। तुम्हारे घर में बच्चों से ज्यादा तो बड़े लोग हैं।
हाँ, ये सेंचुरी के करीब है, नेचुरल फूड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। सेंचुरी? अब चलो ना, चलो अंदर, चलो चलो चलो, तुम भी अंदर। ज्यादातर लोग घर के बाहर पौधे लगाते हैं, पर तुम्हारे यहाँ तो अंदर भी लगे हुए हैं। मेरे घर वालों को नेचर से बहुत प्यार है, देखकर ही पता चल रहा है। ए, भूख लग रही है यार। खाएंगे क्या? ये कौन है यार, जिस सब्जी को रसोई घर में होना चाहिए वो गले में टांग के घूम रहा है? ये मेरे घर का नौकर है, शाकाहार। शाकाहार? ए, गले में ये सब क्या है? थोड़ी गैस प्रॉब्लम है, गैप दूंगा तो गैस हो जाएगी। गैप दोगे तो गैस हो जाएगी? तेरा पेट बायोगैस का प्लांट है क्या? ओए, ये खाना बंद कर और हमारे खाने का इंतजाम कर। इन्हें ले जाकर रूम्स दिखा दो। ठीक है। ए, तुम चलो इधर आ। ये पकड़। बाप रे। जा। बाथरूम जाने का जो किक है वो अलग ही है, एक बार तू भी जा। क्या ए, कहाँ जा रहा है? तू भी अजीब है, कहाँ अपलोड करना चाहिए कहाँ डाउनलोड करना चाहिए पता ही नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी बॉडी बनाई है। इंस्टा पर डालूंगी तो बहुत से लाइक आएंगे। मैंने ये सभी को दिखाने के लिए नहीं बनाई है। तो फिर? सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बनाई है। तो फिर दिखाओ मुझे। ए, अपना रोमांस बंद करोगे क्या? सब लोग वेट कर रहे हैं, आ जाओ तो खाना शुरू करते हैं ना। आ रहे हैं। बाप रे। आ जाओ बैठो, आ जाओ। अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है, इसे कहते हैं डिनर। लगता है तुम्हारे घर वालों ने बहुत वैरायटी का फूड बनाया है। हाँ, तुम लोग खुद ही देखो ना। इतनी सारी वैरायटीज होगी। उबला हुआ आलू क्यों रखा है इसके अंदर? तेरी जैसी शक्ल वैसा ही देंगे ना, इसमें देख जरूर कुछ खास होगा। इतना शौक क्यों लग रहा है तुझे? ओ मिस्टर जांगरी, यहाँ भी उबले हुए गाजर के टुकड़े हैं। मैं अपना देखती हूँ। यहाँ तो बॉयल कैप्सिकम है। अरे बाप रे, इसमें तो करेला है यार। हारिका, लगता है तुम्हारे घर वाले बनाना भूल गए, इसे बना कर लाने के लिए बोलो ना। एक्चुअली मेरे घर वाले यही खाते हैं। यही खाते हैं क्या? मैं भी ओपन करती हूँ तो कद्दू या भिंडी के टुकड़े ही होते हैं। Is it? सरोजा, you open it? यहाँ पर भी भिंडी रखी है, लेकिन ये सब खाएंगे कैसे? मुँह से। ये सब खाओगे तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम्हारी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी, नसें मजबूत हो जाएंगी तो दिमाग बहुत तेज चलेगा, जलन, खांसी, आंख में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सर्दी बुखार, कोई भी बीमारी कभी नहीं आएगी तुम लोगों को। इसमें इतने सारे फायदे हैं? और भी बहुत कुछ है, डेंगू, मलेरिया। बहुत, बहुत हुआ। अगर तुमने इसके आगे कुछ और भी बोला ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। पप्पा राकेश, तुम बैठ जाओ भाई। सॉरी सिद्धू, तुम्हें इस बारे में पता चल जाता तो तुम शायद नहीं आते। बाप रे, तुम हैदराबाद में क्यों रह रही हो, मुझे अब समझ में आया। सुनो हारिका, अभी हमारा आगे का प्रोसेस क्या है? जैसे वो लोग खा रहे हैं वैसे आप लोग भी खाइए। अरे बाप रे, ये सब क्या है यार? ये लोग बकरी की तरह क्यों खा रहे हैं? अगर हम अभी नहीं खाएंगे तो वो लोग खिला देंगे। बाप रे, इतना बड़ा बम्पर ऑफर है क्या? तो फिर मैं अपने हाथों से खिला दूं क्या? रहने दो, हम खुद खा लेंगे। जा, जा, जा। आहा, अमृत है। हे भगवान। तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, कल मैं अपने घर वालों को बताए बिना तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। इस उपवास से कल तक बच नहीं सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। इसकी तो, अरे ये क्या हम जीवन जीते सादा खाते वनस्पति, इससे होता है स्वास्थ्य में बढ़ोतरी, स्वस्थ जीवन सादा जीवन, हम लोग हैं परिवार में सुखी। अरे ये क्या कर रहे हैं? स्पेशली बनाऊंगी, बुला रही यार, ये क्या हो रहा है? परेशान मत हो। ये वनस्पति क्या, 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 क्या? मेरा जीवन है, क्यों, 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 सब स्वस्थ है, खुशी खुशी सब जीते हैं। क्या ये यार, क्या कर रहा है तू?
पत्ते बिछा रहा हूँ। पत्ते बिछा रहा है क्या? पर क्यों? सोने के लिए। ए, पत्तों पर कैसे सोएंगे? बेवकूफ है क्या? ए, यहाँ सोने के लिए बिस्तर नहीं है क्या? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे जो भी हो पत्तों पर ही सोता है। पर किस लिए? क्योंकि ऐसे सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारे पूरे शरीर से सारे बैक्टीरिया निकल जाते हैं। प्रसन्न रहोगे, उत्साह मिलेगा, उत्तेजना आएगी, आनंद आएगा और स्वस्थ रहोगे। ये तूने मेरा 2.5 किलो का हाथ देखा है? अगर ये तेरे ऊपर पड़ गया तो तू उठ नहीं पाएगा, समझा? तुम इस पर सो या मत सो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मौत आएगी। शुभ रात्रि। अरे ए, कैसे शुभ रात्रि? हमारे लिए तो काल रात्रि है। मेरे भाई सिद्धू, ये सब क्या है? ए, ये हारिका के लिए है। ठीक है ठीक है, हम लोग वैसे भी बहुत सुस्त हैं। सब कुछ होता है क्या? हम और क्या कर सकते हैं, शांति से सो सकते हैं ना? सो जाते हैं। मेरी किस्मत। अरे क्या करूं, एक वो पागल है उससे बड़ा पागल ये है। आजा सो जा। बाप रे बहुत ठंडा है, पत्तों पर नींद कैसे आएगी यार? सो जा यार। अरे यार लगता है ये लोग मोगली की फैमिली की तरह है। अरे अगर उनसे तुलना करें तो वही लोग बेहतर है भाई। अरे बाप रे कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये किसकी बदबू है भाई? अरे डोंगरी कुछ आइडिया देना। आइडिया कुछ भी नहीं है, चुप करके सो जा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नई जगह है ना, इसलिए। हमारी आदतों की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारे गांव में करंट फेस चेंज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? अच्छा, तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो हिचकिचाना मत। जब लड़कियां कुछ मांगती हैं तो उन्हें दे देना चाहिए। सांप आ गया यार। तो उसे बोल देना कल आने के लिए। तेरी तो अंदर। क्या हुआ बताने के बजाय अंदर अंदर क्या कर रहा है? अंदर सांप है यार। सांप यहाँ पर आ गया था यार। थोड़ी देर हो जाती तो मेरी फोटो पे हार चढ़ाकर मेरी 13वीं बनानी पड़ती। ऐसा कैसे? बाप रे देखो वो इधर ही आ रहा है। देखो बाप रे। ओ, इसकी बात कर रहे हो? वो तो उसके पास जा रही है। अरे बाप रे। इसे देखकर डर गए? ये हमारा पालतू सांप है। पालतू सांप है? ये तो बहुत बड़ी साइको फैमिली है यार। लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथी पाल लेते हैं, सांप को कौन पालता है यार? इससे डरो नहीं, सांप को पालने से उम्र बढ़ती है ऐसा हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोग इसे पाल रहे हैं। बाप रे। लगता है तुम बहुत पसंद आ गए हो इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। यहाँ सिर्फ सांप ही है ना, कहीं शेर चिंपैंजी चीता जैसा कोई और जानवर तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बच गया यार, कुछ और नहीं है यहाँ पर, ऐसा बोल रही है ये। चलो चलो चलते हैं। कैसी फैमिली है तुम्हारी? ये काटता तो नहीं है ना? नहीं काटता। बाय नाग देवी। बाप रे, अरे निकलो यहाँ से। हे, कहाँ सांप है यार? गुड मॉर्निंग अंकल। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। नहीं लगाना मुझे। अरे मेरा फोन कहाँ गया? अरे भाई लोग मेरा फोन नहीं दिखा दे रहा, आखिर मेरा फोन गया कहाँ? मेरा भी दिखाई नहीं दे रहा। ए, मुझे इस जुमानजी पर डाउट है, बताओ हमारा फोन कहाँ है? करेक्ट गेस किया है तुमने, रखा है। कहाँ रखा है? चलो दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसने गोलमाल फिल्म देखी होगी, इसीलिए। एक बार नहीं 10 बार देखा होगा।
यहाँ क्यों रुक गया? तुम्हें फोन चाहिए ना? हाँ, कहाँ है वो? देखो वहाँ पर। फोन? हे, मंदिर के घंटे की तरह हमारे फोन क्यों लटका के रखे? इतने फोन किसके हैं? ये सारे फोन हमारे हैं। तो फिर फोन आता है तो बात कैसे करते हो तुम लोग? यहाँ पर ओनली आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं होता। किसी को कॉल करना हो तो हम यहाँ पर आकर बात करते हैं। अरे प्लीज मेरा फोन मुझे दे दो, अगर पूरी रात में अपने बॉयफ्रेंड से बात ना करूँ तो उसे नींद नहीं आती। रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल। फोन इस्तेमाल करने की वजह से रेडिएशन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से दिमाग पर असर पड़ता है, दिमाग का रोग, दिल का दौरा, और मैं भूल ही गया, मेंटल टेंशन यार। हाँ, मेंटल टेंशन, बीपी, शुगर, कैंसर, एड्स। हाँ? एड्स? इसके साथ साथ इसके बाद अगर एक शब्द और बोला तो पेड़ का आम पक जाएगा और सेल्स रिवर्स हो जाएगा। चाहे स्ट्रेट हो या रिवर्स हो, फोन यहीं पर रहेगा। अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो फोन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब शाकाहारी, तू बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। तू पौधे से बड़ा है और पेड़ से छोटा है, इसीलिए तू ज्यादा एक्स्ट्रा करेगा तो मैं तुझे पेड़ के नीचे गाड़ दूंगा, समझ गया चपड़ कंजू? अरे ये तो मेरा ही फोन बज रहा है, मेरा है, मेरा है। हाँ तो जाना, उठा ले, उठा ले। हेलो हेलो हेलो, भगवान तुम्हें खुश रखे। चीची, ए भगवान, इसका पागल पर मुझे भी चढ़ गया। ए मैं हूँ, मैं किसी क्रम में एलियंस के साथ में रह रहा हूँ। ए तू फोन रख दे यार, वरना ये दोबारा बात नहीं करने देंगे, रेडिएशन प्रॉब्लम बताकर दिमाग खा जाएंगे मेरा। हेलो हेलो, अरे शाकाहारी ये सब क्या है यार, फोन आएगा तो किसी पॉप सिंगर की तरह हिल डुल कर बात करना पड़ेगा क्या? ये क्या हो रहा है यार? अंधा हो गया क्या, देख नहीं रहा? बापरे बापरे, इतनी घास फूस खाकर ये सब करने की जरूरत है क्या? हेल्थ के लिए अच्छा ही है ना, करने दो, हम भी चलते हैं, चलो। हाँ? हाय हाय। ए, हमें भी योगा करने के लिए बोल रही है। अगर योगा करना है तो तू ही जा भाई। फूड कट। नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। है? अरे बाप रे बाप रे बाप, अगर हम योगा नहीं करेंगे तो इनका घास फूस हमें खाने को नहीं मिलेगा, यही बोल रहा है? इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा और उन घास फूसों को हमें हासिल करना होगा। अगर तुझे इतनी चुल है ना तो तू भी जाना भाई। ए, वो घास फूस की बात नहीं करी, हमारे लिए स्पेशल अरेंज करने वाली थी ना, वो कट कर देगी। हाँ, हमारा खाना? हाँ। तो फिर हमें करना चाहिए, चलो चलते हैं, योगा करते हैं और अपना स्वास्थ्य बचाते हैं। जय रामदेव बाबा। अरे यही तो हमारा कर्तव्य है, चलो चलते हैं। हाँ। योगा करते हैं। अब बाएं तरफ से सांस लेकर दाहिने की तरफ छोड़ो। ये बदबू कहां से आ रही है? अरे बाप रे, उन्होंने कहा है इस नाक से सांस लेकर दूसरे से छोड़ना है, और तू क्या कर रहा है, नीचे से छोड़ रहा है। ये भी तो हवा ही है, तेरी तो कमी नहीं कहेंगे। अरे ये हवा नहीं है, बदबू है। अबे रुक 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 रुक, लगता है इसने कहीं से गंद छोड़ने की प्रैक्टिस ले रखी है। पागल का रे, शाकाहारी होकर इतनी बदबू आ रही है, अगर ये मांसाहारी होता तो ये जगह विस्फोट छोड़ जाती। सही कहा तूने, हटा इसको। अरे हट यार इसको। अरे तू मुझे क्यों मार रहा यार? सब लोग खड़े हो जाइए। वन टू थ्री फोर। वन, तू इस तरह मत मुड़ जा, तेरा नसीब। थ्री फोर। वन टू फोर। अरे बाप रे, अरे बाप रे।
अब अच्छा लगा। कहाँ गए ये लोग? ये सृष्टि का नियम है। अबे यही गोला अगर तूने जाके बॉर्डर पे छोड़ा तो पाकिस्तान की आधी आबादी ऐसे ही मर जाएगी। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे मैं जाकर लेकर आता हूँ। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे जरा मेरी बात सुनिए, मुझे पत्ता चाहिए। अरे ध्यान से लेना भाई। अरे शाकाहारी मुझे देना। हाय हाय हाय, वो देखो। अरे अरे हां यस दे आया। कहां से ठूसेगा कह रहा था ना, अभी देखना। अरे ये क्या है भाई, इसको कहाँ रखना है? जहाँ जाता है वहीं पर रख ले। बेबी सरोजा, बस अब रहने दो, ये यू सर्टिफिकेट सिनेमा है, आगे कुछ मत बोलना। उन्होंने जाकर छीन लिया तो अब क्या हुआ? उन्होंने जाकर पत्ता फैलाया और उन्होंने 56 भोग दिए और तो यहाँ लेकर चला आया। अब तो तुझे मजा आया ना? फूड पसंद नहीं आया? इसे फूड कहते हैं क्या? अभी तक मुझे फूड नहीं मिला, मेरी आते नूडल्स की तरह उबल रही हैं। तुमने जो स्पेशल फूड का वादा किया था वो जल्दी अरेंज करो ना। 4 दिन अगर इसने यही खाना खाया तो फिर सामने बकरा मिले या मुर्गी, ये जंगली जानवर की तरह कच्चा खा जाएगा। ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं नाइट में सारा कुछ अरेंज करती हूँ। क्या स्पेशल है? सभी के लिए चिकन करी, मछली फ्राई, वाव, मछली करी, मटन कीमा। तू बोल रही है तो मुंह में पानी आ रहा है, तुम जाकर उस काम में लग जाओ, तब तक मैं बहुत सारी वॉकिंग करके अपना पेट खाली कर लेता हूँ। ठीक है, बाय बाय। अच्छा मछली भूल मत जाना, ठीक है? अरे बाबा, भगवान तुम्हें खुश रखे। खा लो। कहाँ फंस गया मैं? यार हारिका अभी तक आई क्यों नहीं है? आ जाएगी यार, मछली बनाने में इतना टाइम तो लगेगा ही ना। यार पेट में आग लगी है। आ गई, खाना आ गया। तुम 1 घंटा और लेट हो जाती तो ये लोग मर जाते। तुम लोग आराम से खाओ, मैं देखती हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है ना? ठीक है देवी, तुम हमारी अन्य देवी हो। ये लो। हे, पहले मैं ओपन करता हूँ, इतनी मुश्किल से मिला ये फूड, एक बार प्रेयर कर लेते हैं। हे भगवान, हैदराबाद ने हमें बिरयानी दी है पर इस मैंगलोर ने हमें उबला हुआ घास फूस दिया है। मैं हमारी कैसी किस्मत है? आपने हमारे दुख को समझकर चिकन मटन फिश पार्सल कर दिया, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो भगवान जी। पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद है। चुपचाप बैठ के खाना खा। चलो खाना खाते हैं। अरे फिर से उबला हुआ आलू आ गया यार। अच्छा इसमें भी वही है यार। सेम यहाँ भी है। अबे ये क्या, मेरे पास भी उबली सब्जी आई है और वो भी करेला, अब क्या करे? मेरे प्यारे सिद्धू, अपनी हारिका को जरा बुलाना तो। हारिका। हे, इतनी जल्दी खा लिया तुमने, कैसा लगा बताओ? अद्भुत, महाअद्भुत। मेरे लिए कुछ बचा है या तुम लोगों ने ही खा लिया? है ना, सारा भी खा लो। ठीक है ठीक है, ये गलत है, तुमने सब खा लिया और मेरे लिए ये उबली सब्जी बचा दी। अरे वाह, ये हमने नहीं रखा है, तुम्हें लेकर आई थी। अच्छा, मैंने ये नहीं बनाया था। हा? किसने बदला होगा? हमने रखा है। हा? आप लोगों ने? भगवान तुम्हारा भला करे। इस बुढ़िया प्रजा में दादी को देखो ना, 2 दिन हो गए हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया। नहीं होगा, नहीं देंगे ये लोग, जब तक यहाँ रहेंगे हम जो देंगे वही खाना होगा और हम जो देंगे वही पीना होगा।
अगर भगवान मेरा एक खून माफ कर देना तो सबसे पहले इसी को मारूंगा। प्लीज दादी, बस एक बार खाने दीजिए ना। दादी की जुबान पत्थर की लकीर होती है। फिर जो खाना बनाया था वो कहाँ रखा है? वो देखो। अरे कुत्ते खा रहे हैं यार। मतलब हमसे ज्यादा किस्मत वाले तो यहाँ के कुत्ते हैं, समझ में आएगी नहीं। मेरा मन कर रहा है मैं अपना शर्ट फाड़ के फेंक दूं, पर क्या करूं, मैं फाड़ भी नहीं सकता क्योंकि ठंडी है ना। इस बार छोड़ रहे हैं, अगर दोबारा इस तरह की प्लानिंग करने की कोशिश की ना तो कच्ची सब्जी खानी पड़ेगी। शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि हम लोगों की नहीं है बल्कि कुत्तों की है। अरे दादी कहाँ जा रही हो, सुनो तो। भगवान तुम्हारा भला करे। ये सब क्या है हरिका? क्या है हरिका? अरे सिद्धू, हमसे खुश नसीब तो एक कुत्ते है, तेरी तो थूप। यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? जय भवानी। इतनी सब्जियाँ क्यों हैं यहाँ पर? कल शादी है ना, इसलिए। बाप रे, शादी के लिए भी यही सब्जियाँ हैं क्या? आपके लिए हाफ केजी एक्स्ट्रा है। देखा, हमारे लिए हाफ केजी एक्स्ट्रा है। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे इसकी तो आजा टीका लगा दे। हाँ लगा लगा लगा। कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ये स्पेशल बनाया है क्या? आपके लिए स्पेशली बनाया है। ये कैसे लोग हैं यार, कौन से ग्रह के प्राणी है ये? हाँ सिद्धू बोलना, उस पायरेसी के बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? हाँ, वो जगह यहीं पर है। अच्छा, कहाँ पर? मैं तुझे अभी लोकेशन शेयर करता हूँ, आजा। ओके यार, थैंक्स, बाय। हाय भाई, स्टॉप 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 स्टॉप। कौन है तू, कहाँ से आया है? मेरा नाम सिद्धू है, मुझे नई मूवी चाहिए। ओ, तेलुगु है क्या? ये सब यहाँ नहीं मिलता, चल निकल। मिलती है इसलिए यहाँ पर आया हूँ। नहीं मिलता ना बोला ना, चल निकल। जब तक नहीं देगा जाऊंगा नहीं। ओ, ऐसी बात क्या? रे, कौन है ये, क्या चाहिए इसे? फिल्म चाहिए बोल रहा है, वो भी लड़कियों की। सिनेमा चार लोगों के बीच में देखा जाता है, यहाँ बैठकर नहीं। तेरे जैसों की वजह से फिल्में कम हो रही है, फिल्में बनाने वाले कम हो रहे हैं और देखने वाले भी कम हो रहे हैं। तुम्हें कौन दे रहा है ये सारी फिल्में? मैं नहीं जानता हूँ भाई, हमारे कुछ ब्लॉग्स हैं, उस ब्लॉग में सिनेमा के लिंक अपलोड करते हैं, उस लिंक को हम लोग डाउनलोड करके नेट पे अपलोड भी करते हैं और सीडी बनाकर बेचते भी भाई। इसके पीछे कौन है? मैं वो सब नहीं जानता हूँ भाई। वो ब्लॉग्स कहाँ है? सिस्टम है भाई, चलो इसमें मुझे यही है भाई ब्लॉग्स। इसे छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी खबर लेता हूँ। डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट।
हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा झगड़ा हो गया था, किसी ने चाकू से हमला कर दिया था। कुछ हुआ तो नहीं, दिखाओ ना प्लीज। तुम इतनी इमोशनल मत हो, छोटी सी चोट है डॉक्टर, प्लीज एक्सप्लेन। Don't worry, he will be all right. वैसे तुम वहाँ क्यों गए थे? वो गोटियाँ खेल रहे थे तो सोचा मैं भी खेल लूँ। मजाक है क्या? वहाँ जाने तक तो मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारा उदास चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मुस्कुराओ ना। Take it, you will be all right. Slow, slow. आ जाओ, आराम से। Yeah, thanks doctor. Give me my fees. वाह, मेरा लाडला, कितने दिनों के बाद मिला है। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत सारी बात करूंगी। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे जेल से रिहा होकर घर जा रहे हैं। घर पहुंच गए, दो दिन का रेस्ट लिए बिना रेस्टोरेंट के चक्कर लगाएंगे। ओहो, बिना जिम गए मेरा 2 से 5 किलो वजन कम हो गया मिस्टर जांगरी। क्या खा कम हुआ होगा? अच्छा ही है ना, वेट लॉस का बिल कम हो जाएगा। सिद्धू, हाँ, तुमसे बात करनी है, बाहर आओगे? आ रहा हूँ, 2 मिनट्स। ठीक है। क्या बात है, बाहर क्यों बुलाया? अंधेरा भी नहीं हुआ और लाइट भी नहीं गई। मैंने उसके लिए नहीं बुलाया। तो फिर? मैंने हमारे बारे में घर वालों को बता दिया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अच्छा मुहूर्त देखकर शादी करवा देंगे, ऐसा कहा। ग्रेट, ये खबर बाहर बुलाकर क्यों बता रही हो? उन्हें भी पता चलेगा तो वो भी खुश हो जाएंगे ना। चलो तुम्हें उन्हें बता दो। उन्होंने एक छोटी कंडीशन रखी है। क्या खाना तुम्हारे घर वालों के हिसाब से बनने वाला है? नहीं। तो क्या घर जमाई बनने के लिए कहा है? नहीं। तो फिर क्या कहा? आज जो इंसिडेंट हुआ उस बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो डर गए हैं, इसीलिए तुम जो पायरेसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसे रोकने के लिए कहा है। आज जो फाइट हुई है उसके बारे में डिस्कशन हो रही है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी, बस इसी डर से उन लोगों ने ऐसा कहा। पर सोचने के बाद लगा कि वो भी तो सही ही कह रहे हैं। क्या सही है, उनकी तो उम्र हो गई है, घास फूस खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे ही, अगर उनकी बात मानेंगे तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तुम जानती हो ना मेरा सपना क्या है? मेरे लिए रोक दो ना प्लीज। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? बाइक से एक्सीडेंट होता है तो बाइक चलाना छोड़ देते हैं क्या? ऐसे डर कर जिएंगे तो आखिर में डर के अलावा कुछ नहीं होगा। कल तक तो तुम मुझे सपोर्ट कर रही थी ना, अब ऐसे क्यों बदल रही हो? ओ, ये चोट लगी इसलिए? ये नहीं लगती तो ओके था क्या? सभी रेडी हो गए हैं, कुछ नहीं होगा मुझे, चलो। अगर तुम वो नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर वालों की बात का सम्मान करती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पागलों की तरह बातें मत करो, चलो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अभी तुम आ रही हो या नहीं? नहीं आ रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। तुम ही नहीं, इस मामले में मैं माँ की भी नहीं सुनूंगा। कंडीशन बिजनेस के लिए अच्छा होता है, प्यार और शादी के लिए सही नहीं होता है। अगर ये सब कुछ छोड़ने के बाद ही तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बाय। सिद्धू, हारिका, हर किसी के प्यार में नोकझोंक होती है।
गलतफहमियां होती हैं, गलतियां होती हैं। उस वक्त हमें जो ढूंढना चाहिए वो गलतियां नहीं, प्यार है। भले ही कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आसानी से सॉल्व की जा सकती है। जरा सोचो सिद्धू। पापा ये क्या है? कुछ नहीं पापा। तुम किस बात से दुखी हो ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हें ऐसे में नहीं देख पाता हूं। जब हम किसी सफर की शुरुआत करते हैं तो कोई भी बीच में आ रुकना नहीं चाहिए, इमोशंस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। तुम्हें कुछ हो जाएगा इस डर से नहीं कह रहा हूं मैं, तुम जो चाहते हो उसे हासिल करो। ऑल द बेस्ट। हाय। हे, क्या हाल है भाई? इतने दिन हो गए यार मिले हुए। बहुत दिन हो गए। हाय, आई एम मिस्टर जांगरी। क्यों मैं एक्स्ट्रा फैट अभी तक कम नहीं किया और बढ़ा दिया है? मैंने जो ब्लॉग भेजा था वो तुमने सर्च किया? वो ब्लॉग को मैंने सर्च किया यार, लेकिन वो ब्लॉग अलग अलग जगह क्रिएट किए गए हैं। कुछ तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, इस तरह अलग अलग जगह से आए हुए हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन पॉइंट है, वो सारे ब्लॉग फ्राइडे 1 बजे से 4 बजे के बीच में ही एक्टिवेट हो रहे हैं। अरे इसकी तो फिर तो वो पक्का दुबई में रहता होगा। ऐसे कैसे कह सकते हो? इसमें कहने की क्या बात है, हर शुक्रवार को उनको हॉलीडे मिलता है तो और क्या करेंगे, खाली समय में यही काम करते हैं। ए, अपना मुंह बंद कर। मेरे हिसाब से हर फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज होती है ना, उस समय में अपलोड करने के लिए वो लोग एक्टिव होते होंगे। तुम्हारी बात सच है तो आज फ्राइडे है, टाइम 12:59 हो रहा है, एक्टिवेट होगा या नहीं देखते हैं। ब्लॉग एक्टिव होते ही उन्हें पकड़ सकते हैं क्या? वो ब्लॉग जब तक एक्टिवेट है तब तक हम उसका लोकेशन ट्रेस करके उन्हें पकड़ सकते हैं। अरे एक ब्लॉग एक्टिवेट हुआ। अच्छा, लोकेशन कहाँ का है? हैदराबाद है। हैदराबाद में कहाँ? इसुगुड़ा। इसुगुड़ा कहाँ है? हाईटेक इंटरनेट सेंटर यार। चलो उन्हें पकड़ते हैं। चलो हाईटेक इंटरनेट सेंटर। मीटर स्ट्रेट जाने के बाद राइट लेना। ओके ओके ओके। भगा 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 भगा। यही पर, यही पर। रुक रुक रुक। यही है ना? हाँ यही है। वहां देखते हैं। आप अपना काम करिए। ए, क्या अपलोड कर रहा है तू? ए, कौन सी मूवी अपलोड कर रहा था? आज जो रिलीज हो रही है वो है सर। अपलोड करने के लिए वो मूवी तेरे पास कहां से आई? सर कभी कभी एक आदमी वीडियो देकर के जाता है, वो टोरेंट में अपलोड करके लिंक दूसरों को सेंड करने के लिए कहता है, वो अपलोड करके उस लिंक को मैं दूसरों को भेजता हूँ। वो तुझे ही लाकर क्यों देता है? खुद भी तो अपलोड कर सकता है ना। ये करने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सिर्फ अपलोड करना ही नहीं उसे टॉरेंट में ठीक से लिंक करके पैसे कमाने के लिए करेक्टली अपलोड करना पड़ता है। वो कैसा दिखता है? उसके नंबर पे फोन कर। उसका नंबर या फोटो नहीं है सर, मैं उसका नाम तक नहीं जानता सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए सर। ये ऐसे नहीं बताएगा, जिसको पुलिस स्टेशन ले जाकर धुलाई करेंगे फिर बताएगा ये। हेलो सर, आज रिलीज हुई एक फिल्म को अपलोड करते हुए हमने एक आदमी को पकड़ा है। वेरी गुड, उसे सीधे मेरे ऑफिस लेकर आ जाओ। ठीक है सर। ए, इसे स्टेशन लेकर आने के लिए कहा है? चल 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 तेरी चल 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 सर 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 कुछ नहीं किया सर 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 सच बता, जल्दी बता। ए सर, भले इसकी हड्डी पसली टूट जाए, कैसे सच बोलना चाहिए। सर उसने कुछ बताया क्या? इतना मारने के बाद भी कुछ नहीं बताया, मेरे हिसाब से सच में इसने उसको नहीं देखा होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है सर। वो क्या यार?
ऐसे अपलोड करने वालों को पकड़ने से अच्छा है सिनेमा थिएटर में जो वीडियो बना रहा है उसको पकड़ेंगे तो इसके पीछे कौन है वो पता चल जाएगा। उसे कैसे पकड़ेंगे? वो कौन से एरिया में किस थिएटर में वीडियो बना रहा है हमें कैसे पता चलेगा? यही हमें पता लगाना होगा। पता लगा लिया तो उसे पकड़ना आसान होगा। तुमने जो कहा वो सही है, हमें ट्राई करना चाहिए। ठीक है सर, हम चलते हैं। अगर उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताइएगा। श्योर, चल बाय सर। हाँ बोल। मुझे एक आइडिया आया है। एक्सीलेंट यार, उसे तैयार करने के लिए 2 दिन जाएंगे। तैयार होते ही तुझे कॉल कर दूंगा। हाँ यार। अरे यार, तूने जो काम दिया था ना वो कंप्लीट हो गया है। उसकी टेस्टिंग के लिए मैं थिएटर जाना पड़ेगा। ओह सुपर यार। मेरे एक फ्रेंड का थिएटर है, लोकेशन और टाइम शेयर कर देता हूँ, वहाँ जाना। ओके थैंक्स यार। देख, और दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, यस सुपर यार, थैंक्स। अब आगे क्या करें? आगे क्या, नेक्स्ट वीक आर्या 4 मूवी रिलीज हो रही है ना, उस मूवी के प्रोड्यूसर से मिलकर इस मिशन के बारे में एक्सप्लेन करके okay. उस मूवी के साथ ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सुपर है यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार। एक्सक्यूज मी सर। कौन हो? सर HMTV के MD मूर्ति जी ने भेजा है। ओ, आओ आओ। अभी उसका कॉल आया था, कोई इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ी देर के लिए मिल लो ऐसा कह रहा। हाँ था। सर। क्या काम है? एक मिनट सर। सर अभी छोटी या बड़ी फिल्म में कोई भी फर्क देखे बगैर रिलीज होने के 2 घंटे में ही पायरेसी करके बाहर ला देता है। उसे किसी भी तरह रोकना होगा, इसलिए मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उसके बारे में आपको बताने से पहले आप एक वीडियो देखिए सर। या प्लीज। सर इस वीडियो के ऊपर कोई कोड नजर आ रहा है क्या? नहीं तो एक बार इसे पहनकर देखिए सर। अभी नजर आ रहा है क्या सर? अभी एक कोड नजर आ रहा है। अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आप आर्या 4 को कितने थिएटर में रिलीज करने वाले हैं? 2000 थिएटर्स में। क्यों? सर अभी हमारी फिल्म 2000 थिएटर में रिलीज होगी ना, हर एक थिएटर में जो प्रिंट भेजा जाएगा उस प्रिंट को एक कोड दिया जाएगा। वो अगर किसी भी थिएटर से रिकॉर्ड होकर नेट पे डालेंगे तो उसको डाउनलोड करते ही उस वीडियो में जो हमने कोड डाला है वो हमें नजर आएगा सर। इस तरह से नेक्स्ट मूवी की जब पायरेसी होगी उसे हम रोक पाएंगे। इतना ही नहीं सर, पायरेसी मूवीज को अपलोड करने वाले 20 साइट्स को डिकोड करेंगे। उस साइट से कोई भी मूवी डाउनलोड करेगा तो उनके IP एड्रेस को ट्रेस करके हम उन्हें पकड़ सकते हैं। इसके साथ पायरेसी करने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या दोनों कम हो जाएगी। पर पायरेसी करने वाला कौन से थिएटर में कर रहा है कैसे पता चलेगा? सर
गलती करने वाला हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही जाता है। एक बार पकड़े जाने के बाद ही प्लेस बदलता है। वो जब तक बदलेगा तब तक हम उसे पकड़ लेंगे। अगर उसने जगह बदल भी दी तो दूसरी फिल्म में वो किसी भी तरह से पकड़ा जाएगा। वेरी गुड, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया। फिल्म वालों की परेशानी समझकर दिल से ये काम कर रहे हो, मुझे आइडिया बहुत पसंद है। मैं अपनी फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ, कल क्यूब आउट निकाल रहे हैं, तुम आकर कोड फिक्स कर दो। थैंक यू सर। पायरेसी करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। विजयवाड़ा के अलंकार थिएटर में 4 पायरेसी करने वाले अरेस्ट। पायरेसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले एसएमटीवी के जर्नलिस्ट सिद्धू। पायरेसी कम होने की वजह से थिएटर में लोगों की भीड़ लग गई। पायरेसी करते हुए पकड़े जाने वाले लोग सब के सब अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इनसे ये कौन करवा रहा है अभी तक पता नहीं चला। सर उनका कॉल डेटा क्या है? हाँ एक मिनट। सर इनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, पर एक से हर किसी का कनेक्शन है। What? सर इनका कॉल डेटा देखा जाए तो ये एक नंबर ऐसा है जिससे सभी को कॉल किया गया है। अगर उसे पकड़ लिया तो कोई क्लू मिल सकता है। दिखाओ मुझे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। स्विच ऑफ आ रहा है। सर मुझे इस नंबर का कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेगा क्या? एक घंटे में भेजता हूँ। ओके सर, बाय। ओके बाय। ये उसका घर। आज तो उसे मार ही डालूंगा। तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? यार तेरी बकवास बंद कर। ठीक है यार, ध्यान से पकड़ना होगा उसे। लॉक है। उसे पता चल गया होगा कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए वो पहले ही निकल गया। मतलब वो सावधान हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? कहां जाएगा वो? आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। चल। हाँ चलो। अगर वो आज हमें मिल जाता ना तो उसका सर काट कर स्टेशन ले जाता। ए? ए? फोन की आवाज आ रही है। हाँ यार, मतलब अंदर कोई पक्का होगा। जैसे वीरप्पन जंगल में छुपता था ना, उसी तरह ये घर के अंदर ही छुपा होगा। चल। यहां से चले क्या? यहां से? हाँ जल्दी पहुंच जाएगा। यहां संभल के, संभल के। अब
अरे बाप रे, लगता है मेरी पीठ अकड़ गई। क्यों अकेले बैठकर पी रहा है? मैं भी कंपनी देता हूं ना, मेरी कंपनी बढ़िया होगी। बोला था ना मेरी कंपनी अच्छी होगी। मार से, मार, और मार, 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 दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारे ऐसे कामों की वजह से कई लोग सफर कर रहे हैं। तेरे पीछे कौन है? क्यों ये सब कर रहा है बता? मेरे पीछे कोई नहीं। अरे इसकी भैंस की टांग, ये इंडस्ट्री नहीं बदलेगी, तुम राउडी लोग नहीं बदलोगे। पहले कोई सच नहीं बोलता है और मार खाने के बाद सब सच बोलते हैं। अरे मारना, मेरे पीछे कोई नहीं है। आखिरी पंच मारना। आ गया लाइन पे। कौन है? ये है क्या? फिल्म अच्छी बनी है ना? अच्छा, कब रिलीज करने का प्लान है? मैं बाद में बात करता हूँ। हाय सिद्धू। हाय सर। आओ बैठो। कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ सर। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। क्या है? सत्यानंद जी ने कोई सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर किया गया है। अच्छा? हाँ सर, चाहिए तो ये वीडियो देखिए। सर, आज का पूरा कलेक्शन गिर गया है सर। थिएटर में 30 लोग भी नहीं आए सर। ये पायरेसी की वजह से पूरी फिल्म डैमेज हो गई है। इसके पीछे कौन है बताइए सर? उसको मार डालेंगे सर। क्यों किया? क्यों तूने मेरी फिल्म को बर्बाद कर दिया? सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तेरे साथ रहकर मेरी पीठ पर छुरा घोंपने वाला तू ही है और पायरेसी करने वाला भी तू ही है ना? सब पता चल गया क्या? इतने सारे पुलिस वाले मुझे अब तक नहीं पकड़ पाए, पर आपने पकड़ लिया। आप ग्रेट हैं सर। हाँ हाँ, इस फिल्म की पायरेसी मैंने ही करवाई थी। सारे साइट्स पर अपलोड मैंने ही करवाया। ये एक मूवी नहीं है, अब तक रिलीज होने वाली 60% मूवीज की पायरेसी मैंने ही करवाई है। इस इंडस्ट्री में रहकर, इंडस्ट्री के बड़े लोगों से मिलकर, उन सबका साथ लेकर मैं अपना साम्राज्य चला रहा हूँ। बेरहम अपराध करके अपनी महानता बता रहा है, कुछ जैसे इंसान को छोड़ना चाहिए, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सर सर सर, इतने इमोशनल मत होइए सर, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाइए, आपको भी शेयर दूंगा। फिल्म सबकी माँ है, चार लोगों को खाना देने वाली कला की देवी है। भरोसा करके जीना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। धोखेबाज, तू आसान मौत नहीं मरेगा, जानवर की मौत मरेगा। अब तू मेरे बारे में सब जान चुका है, या तो तू अब मेरा साथ दे, नहीं तो इस धरती पर नहीं रह पाएगा। और लग रहा है आप जीना नहीं चाहते, तो फिर आप ऊपर ही चले जाइए। ऊपर जाकर बिना पायरेसी की मूवी बनाइए। यहाँ पायरेसी के बिना फिल्म बनाना मुश्किल है। ऊपर जाकर ट्राई कीजिए। हैप्पी जर्नी। क्यों सर, इसे देखकर आपके पसीने छूट गए क्या? अरे रे 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 रे, क्या एक्टिंग की है आपने।
यही एक्टिंग अगर आप फिल्मों में करते तो डेफिनेटली आपको ऑस्कर अवार्ड मिल जाता। गुड, वेरी गुड, तुमने भी अच्छी तरह पता लगा लिया। मेरे बारे में जो जानता है वो या तो मेरा साथ देगा या फिर जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हें क्या चाहिए डिसाइड कर लो। मेरे साथ काम करोगे तो शेयर दूंगा। कितना दोगे? 20% काफी नहीं होगा। 30% बिल्कुल काफी नहीं होगा। तो फिर कितना चाहिए? सर, आप मुझे शेयर देकर मैनेज करने की सोच रहे हो, लेकिन आपके वीडियो को लाइव देखने वालों को कैसे मैनेज करोगे आप? व्हाट? शौक लगा क्या? फुल HD कैमरा, कोई बात नहीं। टीवी में आप अच्छे दिख रहे हो, वहां भी कैमरे की नजर में आ गए, यहां भी कैमरे की नजर में आ गए। आपने जो किया वो बहुत गलत है। एक माँ जब किसी बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखकर जन्म देने के बाद पता चलता है कि वो बच्चा मर गया है, तो उससे जितना दुख होता है ना, सत्यानंद जी को भी आपने उतना ही दुख दिया है। उन्हें, उनकी फिल्मों को, उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से मार दिया है। गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आप जैसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई भी हक नहीं है। तेरी तो चलो, चलो। विशु, वेरी हैप्पी एंड स्वीट जर्नी सर। जेल में अपना ख्याल रखना, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे मत कहना। मैं पकड़ा गया तो ज्यादा खुश मत हो, मेरे जैसे और 100 लोग हैं, उनको कैसे पकड़ेगा तू? कितनी भी बड़ी मछली क्यों ना हो, जाल में तो फंसना ही है। उसी तरह तुम फंस गए। लेकर जाइए सर। प्रोड्यूसर सत्यानंद को मारने की साजिश में मैनेजर सुरेंद्र को अरेस्ट किया पुलिस ने। हत्या के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हमारे CM KCR ने सिद्धू की सराहना की। हाय सिद्धू। हाय मैडम। देश में दूर करने के लिए और भी समस्याएं हैं, पर आपने पायरेसी को ही क्यों चुना? सिनेमा लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है, पर सिनेमा बनाने वालों के लिए वही उनकी जिंदगी होती है। एक अच्छी फिल्म लोगों के बीच लाकर तालियों से जब उस फिल्म की सराहना करते हैं तो उनको सुकून मिलता है। बचपन में हम घंटों लाइन में खड़े होकर फिल्म देखा करते थे, लेकिन अभी थिएटर में फिल्म रिलीज होने के कुछ घंटों बाद ही पायरेसी प्रिंट बाहर आ जाती है। 350 करोड़ लगाकर जब सत्यानंद जी ने फिल्म बनाई तब मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसी फिल्म की पायरेसी जब उनकी मौत की वजह बन गई तब मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया था। बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इस पायरेसी के शिकार हो रहे हैं। ये देखने के बाद ही मुझे लगा कुछ करना चाहिए। एक फिल्म के लिए डायरेक्टर एक अच्छी स्टोरी सोचकर उसके प्रति दिन रात मेहनत करके, एक प्रोड्यूसर को एक हीरो को मनाकर, एक साल दिन रात मेहनत करके फिल्म रिलीज करता है और उसके कुछ ही समय बाद पायरेसी प्रिंट बाहर आ जाती है। वो पायरेसी प्रिंट नहीं होती है, हम जो उस पायरेसी प्रिंट को देखते हैं उसमें प्रोड्यूसर का एक लक्ष्य, एक डायरेक्टर की कला, हीरो हीरोइन की मेहनत सब व्यर्थ हो जाती है। ये पायरेसी अगर इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी तो हम जिनका सम्मान करते हैं वो हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो फिल्मों को बनाते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। फिल्मों पर निर्भर कुछ हजारों लोग रोड पर आ जाएंगे। थिएटर में अगर 2 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो हम चिल्ला चिल्लाकर हल्ला मचा देते हैं। ऐसे में अगर हम पायरेसी को एनकरेज करेंगे तो हम जिनका सम्मान करते हैं उस हीरो को पर्दे पर देखने का मौका हमेशा के लिए खो देंगे। पायरेसी करने और पायरेसी देखने से पहले एक बार जरा दिल से सोचिए, मेरी नजर में पायरेसी करना किसी माँ का दूध चोरी करने जैसा है। क्या देख रहा है बे? आज रिलीज हुई फिल्म को देख रहा हूँ, पायरेसी बनके बाहर आई है, हॉट है, वही देख रहा हूँ। आ जा, तू भी साथ में देख ले। ए, ऐसे फोन में देखेगा तो तेरी आँख खराब हो जाएगी, तेरा कान खराब हो जाएगा। टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ, चल थिएटर में चल के देखते ना। हाँ, दिखाऊंगा ना। तो पर इसका क्या काम है? चल ना। चलो। नेडे वीडियो वाला कहते ही थिएटर आकर सिनेमा को देख कर आप लोग जो तालियां बजाते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। मेहरबानी करके फिल्म को थिएटर में ही आकर देखिएगा और अच्छी फिल्म बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करिए। 60 करोड़ के ऊपर बजट लगाकर एक फिल्म तैयार करके हम उसे रिलीज करते हैं और कुछ ही समय बाद हमारी टीम को पता चलता है कि हमारी फिल्म की पायरेसी हो गई है, जिससे एक्टर्स और डायरेक्टर्स से लेकर प्रोड्यूसर्स तक, यहाँ तक कि एग्जीब्यूटर्स भी इस पायरेसी की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इतनी मेहनत से बनाई हुई फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में कोई नहीं चाहता। पायरेसी एक कैंसर की तरह फिल्म इंडस्ट्री में फैल गया है। पायरेसी के खिलाफ आवाज उठाना है और हमें अपने सिनेमा को बचाना है। पायरेसी इज अ क्राइम, किल पायरेसी। हमारी चीजों को हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे चुरा कर बेचने को पायरेसी कहते हैं।
मेहरबानी करके हमारी अमानत, हमारी फिल्में, हमारी कला को हमसे मत चुराओ। We try our best to control piracy. I also request to audience watch movies in theater. पायरेसी के भूत को मारिए, तेलुगु इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए आप अपनी कोशिश कीजिए। किल पायरेसी। समाज बदलना चाहिए ये कहने से कुछ नहीं होगा, हमें बदलना होगा। किल पायरेसी। सिनेमा से प्यार करने वाले आप लोग एक बात याद रखिए, जब आप पायरेटेड फिल्म देखते हैं तो मेरा मानना है कि आप अपनी माँ का दूध बाजार में बेच रहे हैं। अगर आप पायरेटेड फिल्म देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी माँ को धोखा दे रहे हैं। हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। पायरेसी बेसिकली एक चोरी करने जैसा है। चोर घर में आकर पैसे चुरा ले जाता है और पायरेसी वाले हमारे मूवी से आने वाले पैसे को चुरा लेते हैं। सो प्लीज हम सब मिलकर इस पायरेसी को खत्म करते हैं। थैंक यू। पायरेसी को मारिए और हमारी इंडस्ट्री को बचाइए। मिलावटी पानी हम पीना नहीं चाहते और ना ही मिलावटी खाना खाना चाहते हैं, तो फिर हम पायरेसी फिल्में क्यों देखें? एक फिल्म बनाने के पीछे काफी सारे लोगों की मेहनत होती है और उनका हाथ होता है। सो प्लीज किल पायरेसी। पायरेसी को इंक्रीज करना महापाप है। प्रे विद ओपन हार्ट, विद वेट आईज, फुल एंड हैंड्स। प्लीज वॉच सिनेमास, फील मूवीज इन सिनेमास। यहां क्यों आई हो? सॉरी। हां सॉरी। सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी। सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर कैसे बोलूं? कैसे बोलना है? ऐसे बोलना है।